चलो भाई मैच को करते स्टार्ट। और आज का जो हमारा मैच होने वाला है वो हैगा वानखेड़े स्टेडियम के अंदर T20 मैच। लगाते अपना T20 मैच को। T10 मैच तो ये रहा, T20। अबे वन अच्छा आ गया ना T20। मेरे को वानखेड़े में होना है मैच 7:30 बजे। रियलिस्टिक हमारी सेटिंग्स होने वाली है। पिच हम रखेंगे अपनी ग्रासी, रखते हैं आज। हार्डनेस वगैरह ठीक है, पिच करेक्ट ठीक है, पिच वियर रेट ठीक है। बाकी भाई इनकी वो ड्रेस चेंज करते हैं, RCB की 2024 वाली लाइनअप और MI की तो वही लाइनअप होने वाली है। मैं खेलूंगा भाई RCB की तरफ से। पहला मैच है RCB और मुंबई का, इस सीज़न का पहला मैच। अभी तक आमने सामने आए नहीं, आज पहली बार आ रहे हैं। स्टार्ट करते हैं मैच को। दोनों कैप्टन ये रहे, फेफ डु प्लेसी और भाई अपने हार्दिक पांड्या। वानखेड़े में होने वाला है मैच, तो स्टार्ट करते हैं इस मैच को। और मैं खेलूंगा भाई अपनी RCB की तरफ से, खेलना है। ओ भाई क्या लग रहा है यार वानखेड़े स्टेडियम। बाकी पायरोस वगैरह तो ऑन है ही। टॉस देखते हैं टॉस कौन जीतता है पहले। अपना तो भाई हमेशा का है कि पहले बॉलिंग ही लेनी है। टारगेट चेस करना आसान रहता है थोड़ा कंपेरेटिवली। बाकी वानखेड़े में कुछ भी हो सकता है यार, ग्रासी पिच है तो भाई बॉलिंग में तो मज़े आने वाले हैं। टेल्स लेता हूँ और काश बॉलिंग ही मिले मेरे को। बॉलिंग ही करनी है पहले, बेशक मुंबई जीत के बैटिंग कर ले पहले, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, RCB जीत गई है टॉस और हम पहले बॉलिंग ही करेंगे। बॉलिंग ही करनी थी पहले भी हमें, तो कोई दिक्कत है नहीं। भाई कितना सही लग रहा है वानखेड़े स्टेडियम। MI भाई अपना AI खेलेगा, AI या लीजेंडरी सेटिंग्स पे, वो एकदम हार्ड होने ही वाला है। रोहित शर्मा और ईशान किशन ओपनिंग करते हुए। रीस टोपली से करवाऊँ पहला ओवर या मोहम्मद सिराज? सिराज से भी करवा सकते हैं, छोड़ो रीस टोपली से ही करवाते हैं पहला ओवर अपना। ग्रासी पिच होने वाले तो भाई स्विंग तो देखने को मिलेगी। रोहित शर्मा पहली बॉल इनिंग्स की। चलो पहली बॉल डॉट बॉल आई है और देखते हैं टारगेट कितना दे पाएगी मुंबई। मेरे ख्याल से तो यार बैटिंग तो अच्छी है ही। आज सूर्य कुमार यादव भी है टीम में, तो बैटिंग तो अच्छी है आज के लिए मुंबई के पास। वैसे भाई RCB के अंदर चेंजेस है, विल जैक्स को खिलाया है और आज वो रियल में भी खेलेगा ही विल जैक्स, तो वो देखने वाली चीज़ होगी। पहला मैच खेलेगा आज RCB के लिए विल जैक्स। ईशान किशन आ गया स्ट्राइक पर, विल जैक्स, रीस टोपली। आज दो तीन प्लेयर ऐसे हैं जो RCB की तरफ से अच्छा मैच दे सकते हैं, आज जीत सकते हैं RCB अगर विल जैक्स फॉर्म में आया तो। बाकी ईशान किशन का बढ़िया स्ट्रेट ड्राइव और चौका तो रोका है, यहाँ पे एक ही रन मिलेगा। बाकी दो रन अभी तक विल जैक्स खेलेगा भाई आज। हाँ पहला मैच खेलेगा वो अपना। यहाँ पे भी सिंगल ही आने वाला है MI के पास। बहुत लेट खिलवाया यार, पहले से ही खिलवाना चाहिए था क्योंकि उसने दी हंड्रेड्स में और उससे पहले ओल्ड लीग्स में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, बट यार चांस उसको बहुत देर में दिया है। बाकी देखते हैं। ओ यार है, जैज का चौका मिल जाएगा अब की बार। भाई प्लेयर तो बहुत तगड़ा है वो, दी हंड्रेड्स में तो काफ़ी अच्छी बैटिंग करी है उसने पिछले, मतलब 7-8 महीने से काफ़ी रन बनाया बट खिलाई नहीं रही थी RCB। पहला चौका भाई MI के लिए ईशान किशन के बल्ले से और यहाँ पे लास्ट बॉल पहले ओवर की। 7 रन और विकेट नहीं गिरा अभी तक, विकेट गिरेगा भी नहीं, 3-4 ओवर तो मिनिमम है ही। बढ़िया ओवर, पहले ओवर से आए 7 रन, विकेट नहीं गिरा कोई भी। मोहम्मद सिराज तो कहीं पहला मैच तो खेल ना पाए, देखते हैं भाई। फॉर्म में तो था ही वो बंदा, ऐसा तो है नहीं बिल्कुल नहीं खेल रहा होगा, प्रैक्टिस तो कर ही रहा होगा अपनी। मोहम्मद सिराज पहला ओवर, सेकंड ओवर डालने आया मोहम्मद सिराज। पहली बॉल रोहित शर्मा स्ट्राइक पे, भाई बढ़िया शॉट मारा है रोहित ने, एक रन मिल जाएगा। बस आज जीतनी RCB चाहिए, मैं तो चाहता हूँ RCB जीते, बाकी देखते हैं क्या होता है। मुंबई जीत सकते हैं क्योंकि वानखेड़े के अंदर मैच है, फिर अगला मैच मुंबई का है भाई चेन्नई के साथ। दोनों मैच अच्छे आने हैं अब मुंबई के। रजत पाटीदार, ईशान किशन 4 बॉल पे 5 रन, तीसरी बॉल इस ओवर की और यहां चौका मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। चलो फील्डर है पीछे,
अबे यार, रन आउट का चांस था, डायरेक्ट थ्रो होता तो। किशन आज लग रहा है 50 मारेगा। 3 बॉल हो चुके हैं इस ओवर की, 3 रन आ चुके हैं। चौथी बॉल, ये शॉट अच्छा है बट फील्डिंग और भी अच्छी। थैंक यू भाई। ईशान किशन 6 बॉल पे 7 रन, 10 रन मुंबई इंडियंस। और इस बार चौका मिल जाएगा ईशान किशन को, बहुत बढ़िया चौका। 14 रन 0 विकेट मुंबई इंडियंस। और ये बाउंड्री अच्छी थी ईशान किशन की तरफ से, गैप में खेला 4 रन के लिए। और शायद ये वाला मैच आज हम हार जाए, क्योंकि भाई मुंबई के पास बैटिंग तो है ही आज, और बॉलिंग में बुमराह है। तो देखते हैं, 2 ओवर के बाद 14 रन पे 0 विकेट मुंबई इंडियंस। और वानखेड़े का व्यू भाई ऊपर से। रीस टोपली का भी अगला ओवर हम थोड़ी देर में करवाएंगे। यश दयाल को ले आता है बॉलिंग करवाने, 3रा ओवर। लेफ्ट आर्म बॉलर है तो यहाँ से सही रहेगा, रोहित शर्मा की वीकनेस भी है लेफ्ट आर्म। बाकी 4 बॉल पे 3 ही रन मारे है रोहित ने। और यहाँ चौका मिल जाएगा रोहित शर्मा को पहली बॉल पे ही। भाई वीकनेस तो है बट चौका ले लिया पहली बॉल पे ही। यश दयाल पहली बॉल पे ही चौका पिटवा दिया भाई, ऐसे कैसे चलेगा ब्रो। भाई ये क्रिकेट 24 है। सेकंड बॉल इस ओवर की, पहली बॉल पे चौका है और यहाँ विकेट मिल जाएगा यश दयाल को, बढ़िया विकेट भाई। रोहित शर्मा आउट। और लेफ्ट आर्म भाई जैसे वीकनेस है ही, तो भाई यहाँ पे टॉप एच लगा बैट को और आउट हो चुके हैं रोहित शर्मा। रिव्यू लेने का फायदा नहीं है, साफ आउट हुआ है। बढ़िया विकेट भाई यश दयाल, पहले ओवर में ही पहली बॉल पे चौका गया। और यहाँ पे विराट कोहली का बढ़िया कैच, रोहित शर्मा 7 रन बना के आउट। स्काई आ चुका है भाई बैटिंग करने, सूर्य कुमार यादव। आज तो कुछ करना पड़ेगा भाई अपनी टीम के लिए। 18 रन पे 1 विकेट गिरा भाई मुंबई इंडियंस का, सूर्य कुमार यादव की पहली बॉल। डॉट बॉल के साथ शुरुआत होगी। चलो भाई पहला विकेट तो जल्दी मिल गया, मेरे को लग नहीं रहा था रोहित इतनी जल्दी आउट होगा। चौका मारा था पहली बॉल पे, सेकंड बॉल पे विकेट दिया। और यहाँ पे सूर्य कुमार यादव, 2 रन मिल जाएंगे इजिली। चलो खाता खुल गया है भाई सूर्य कुमार यादव का, 2 रन ले लिए। 20 रन पे 1 विकेट मुंबई इंडियंस। इस ओवर की 5वीं बॉल, और इस ओवर में सिर्फ 6 रन आए और 1 विकेट मिल चुका है, वो भी रोहित शर्मा का। ये शॉट अच्छा है और भाई बढ़िया फील्डिंग, ग्लेन मैक्सवेल। मैक्सवेल की फील्डिंग अच्छी है यार, 20 रन पे 1 विकेट। शॉर्ट पिच बॉल डाल के देखते हैं, बाउंसर मारते हैं। सूर्य कुमार यादव 2 रन पे खेल रहा है। लास्ट बॉल 3रे ओवर की, और शॉट अच्छा है, 1 रन मिलेगा भाई, 2 ले जाएंगे। फील्डर क्या कर रहा है यार। 3 ओवर के बाद 22 रन पे 1 विकेट मुंबई इंडियंस। मोहम्मद सिराज का 2रा ओवर है। ईशान किशन 11 रन पे खेल रहा है, किशन का विकेट लेना पड़ेगा हम लोगों को। दोनों ओपनर चले जाए ना तो बहुत इजीली हो जाएगा कि टारगेट कम ही दे पाएंगे। बाकी देखते हैं, पहली बॉल डॉट बॉल आई है, डॉट बॉल आती रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। ईशान किशन 9 बॉल पे 11 रन, 22 रन पे 1 विकेट मुंबई इंडियंस। एक और अच्छी बॉल और सीधा फील्डर के हाथ में। यश दयाल भाई पहले ओवर में ही विकेट लिया था रोहित शर्मा का। 3री बॉल 4थे ओवर की, ईशान किशन 11 रन 10 बॉलों पे। और यहाँ पे सिंगल मिल जाएगा ईशान किशन को, स्ट्राइक पे आ जाएंगे सूर्य कुमार यादव। स्काई को आउट करना है यार, वैसे फॉर्म में तो है नहीं अभी सूर्य कुमार यादव, तो देखते हैं। पिछली बार तो भाई जब खेलना आया था सेकंड बॉल पे आउट हो गया था, रियल लाइफ में बता रहा हूँ। बढ़िया फील्डिंग यार, फेफ डुप्लेसी, सॉरी दिनेश कार्तिक। फील्डिंग अच्छी हो रही है आरसीबी की आज। हाँ प्लेइंग 11 में है विल जैक्स, आज तो खेलेगा अभी वो। यहाँ चौका मिल जाएगा भाई सूर्य कुमार यादव को, बढ़िया बाउंड्री। ये अच्छी बाउंड्री थी भाई सूर्य कुमार यादव की, गैप देख के मारो, 4 रन मिल जाएंगे इजीली। 27 रन पे 1 विकेट। लास्ट बॉल 4थे ओवर की, पावर प्ले के 2 ओवर बच रहे, कितना जाएगा यार पावर प्ले में प्रोजेक्टेड? मेरे ख्याल से तो यार 50 रन बना लेंगे पावर प्ले में।
दो ओवर में यार 23 रन 22 रन तो आ ही जाएंगे। बाकी यश दयाल, दयाल को भी हटाता हूँ, रीस टोपली को ले आता बॉलिंग के लिए। पहले ओवर में 7 रन दिए थे रीस ने। बाउंसर के साथ शुरुआत करते हैं, पीछे फिल्डर लगा ही रखा है हम लोगों ने। सूर्य कुमार यादव स्ट्राइक पे, 7 का रन रेट चल रहा है। और भाई यहाँ चौका मिल जाएगा सूर्य कुमार यादव, बढ़िया चौका भाई। भाई बाउंसर अच्छी मारी थी, बट भाई स्काई का अच्छा शॉट और इजीली 4 रन मिल गए सूर्य कुमार यादव को। दो चौके आ चुके हैं सूर्य कुमार यादव की तरफ से, 8 बॉल पे 13 रन। आज लग रहा है कि भाई स्काई अच्छा खेलेगा। रिस टोपली 11 रन दे चुका है अपने स्पेल में, ये अच्छा शॉट मारा है, अगेन बढ़िया कवर ड्राइव, और यहाँ पे भी 4 रन मिल जाएंगे। भाई क्या खेल रहा है आज, सोच के ही आया है, पिछले मैच में सेकंड बॉल पे आउट हुआ था, इस बार तो रन बनाने हैं। ये अच्छी कवर ड्राइव थी और 4 रन इजिली सूर्य कुमार यादव के लिए। 9 बॉल पे 17 रन, भाई साहब 15 रन दे चुका है टोपली, और 2 बॉल पे 2 चौके आ चुके हैं इस ओवर की। ये डॉट बॉल है, बढ़िया फील्डिंग ग्लेन मैक्सवेल। आज क्या लगता है मैक्सवेल आएगा फॉर्म में? मेरे ख्याल से आज अच्छा खेलेगा मैक्सवेल, क्योंकि बॉलिंग तो है नहीं एमआई पे ज़्यादा। बुमराह अकेला क्या ही करेगा। ये डॉट बॉल और आना चाहिए, फॉर्म में तो आ ही जाएगा वो बंदा। भाई 36 रन पे 1 विकेट, 5ही ओवर की 5ही बॉल, स्काई है भाई स्ट्राइक पे, 11 बॉल पे 17 रन, 8 रन आ चुके हैं इस ओवर में। और ये बढ़िया शॉट, बट भाई सीधा फील्डर के हाथ में। लास्ट बॉल 5वें ओवर की, यॉर्कर मार के देखते हैं, क्या पता विकेट मिल जाए। भाई विकेट, रिस टॉपली भाई, मैं तो ऐसे ही कह रहा था विकेट मिल जाए भाई, स्काई आउट, बहुत बढ़िया विकेट रिस टॉपली, सूर्य कुमार यादव आउट 17 रन बना के। भाई मजाक में बोल दिया था कि विकेट मिल जाए, हार्दिक पांड्या, वरना रिप्ले देखना है यार मेरे को इस बॉल का, बढ़िया यॉर्कर थी रिस टॉपली की। भाई सूर्य कुमार यादव कैसे भाई, और सीधा फर्स्ट, अरे ये क्या ग्लिच देखो गेम का, अच्छा टच होके गई है ना, मेरे को लगा भाई टच भी नहीं हुई और आउट दे दिया। बढ़िया विकेट भाई सूर्य कुमार यादव आउट, रिस टॉपली बढ़िया बोल्ड करा, बढ़िया यॉर्कर। और हार्दिक पांडे आ चुका है बैटिंग करने, ईशान किशन 11 बॉलों पे 12 रन। लास्ट ओवर है पावर प्ले का, 36 रन आया भाई मुंबई के पास, लास्ट ओवर हो रहा है। बढ़िया बॉल मोहम्मद सिराज, स्विंग हो रही है भाई बॉल। ईशान किशन तो भाई 12 बॉलों पे 12 रन, और यहाँ पे अब विकेट तो गिरी चुके हैं भाई मुंबई के, यहाँ पे 1 रन मिल जाएगा। प्लेइंग 11 7 बजे आती है, हाँ पता है भाई मेरे को, मगर कल ही बता दिया था ना, वैसे तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता देते हैं ना। रिस टोपली और ये रिस टोपली को तो खिलाया था शायद, विल जैक्स का है ना, उसको तो बोल ही दिया था कि खेलेगा, बाकी देखते हैं क्या होता है, खिलाना तो चाहिए भाई। एमआई 37 रन पे 2 विकेट, 4थी बॉल 6ठे ओवर की, और इस ओवर में 1 ही रन आया है अभी तक। यहाँ चौका मिल जाएगा हार्दिक पांड्या को, बढ़िया शॉट। अरे रवि को पता है भाई, वो बहुत पहले से क्रिकेट देख रहा है। अरे वो मेरे से पूछ रहा था, इन गेम पूछ रहा था वो, कि गेम में तूने विल, वो विल जैक्स को लिया या नहीं लिया, ये पूछ रहा था वो। 41 रन पे 2 विकेट मुंबई इंडियंस, हार्दिक पांड्या चौका तो मारा है, और यार पांड्या को ही संभालने पड़ेगा यहाँ से अपनी टीम को, यहाँ सिंगल मिल जाएगा। 42 रन 2 विकेट मुंबई इंडियंस। लास्ट बॉल पावर प्ले की, और भाई रन नहीं मिला है अभी तक, पावर प्ले में 50 रन भी नहीं आए इन लोगों के, छक्का मारेंगे तब भी 48 ही पहुंचेगा, बहुत धीरे गया भाई पावर प्ले। ईशान किशन 13 बॉलों पे 13 रन, चलो चौका आ जाएगा पावर प्ले की लास्ट बॉल पे, 46 रन आया पावर प्ले से। अरे मैंने वही तो बोला, तू तो बहुत पहले से देख रहा क्रिकेट। बाकी मोहम्मद सिराज लास्ट बॉल पे चौका पिटवा दिया पावर प्ले की, बट कोई बात नहीं, 46 रन पे 2 विकेट मुंबई इंडियंस पावर प्ले के बाद। रिस टोपली ने पिछले ओवर में बढ़िया विकेट लिया था यार, यहां से बाउंड्रीज बचानी पड़ेंगी।
क्योंकि पावर प्ले हो चुका है खत्म। रीस टॉपली के ओवर बचे, हमारे पास 2 15 रन दिए थे रीस ने और एक विकेट लिया था भाई सूर्य कुमार यादव का। बढ़िया यॉर्कर थी वो, विकेट मिला अच्छा। ओरे यार थोड़ा सा आगे होता फील्डर तो ये आउट था। टॉपली आज करेगा अच्छी बॉलिंग रियल में भी, लग तो रहा है। हार्दिक पांड्या, पांडे आउट हो जाए यार तू, वैसे टुक टुक खेलेगा। अरे यार ये उल्टा क्यों आ गया, रनआउट का चांस बना तो था। और भाई कल का मैच अच्छा हुआ यार, गुजरात कहाँ जीत गई वो मैच, लग नहीं रहा था कि गुजरात जीतेगी, बट भाई राशिद खान लास्ट में अच्छा खेल गया, बढ़िया बॉल। और यहाँ पे भी रन नहीं लिया, मेरा फेवरेट है डेल स्टीन एंड उसके बाद रिस टॉपली। ओके मेरे को तो यार मिक वो जॉनसन पसंद था बहुत ज़्यादा, स्टार्क भाई जब वो अपने प्राइम में था तब बहुत तगड़ा था भाई स्टार्क, बहुत। मैगराट हो गया, मैगराट तो भाई अलग ही बॉलर था। फ्लिंट ऑफ, फ्लिंट ऑफ भी अच्छी बॉलिंग कराता था अपने टाइम पे। 47 रन 2 विकेट और सेवंथ ओवर चल रहा है, 2 बॉलें बच रहे हैं सेवंथ ओवर की। हाँ राहुल तेवाटे ने भी अच्छा खेला भाई, यहाँ पे 6 रन मिल जाएंगे। ईशान किशन भाई आज फॉर्म में लग रहा है बंदा, बढ़िया सिक्स भाई ईशान किशन के लिए, ये शॉट अच्छा था। और 6 रन मिले ईशान किशन को भाई, बढ़िया शॉट ईशान किशन के बल्ले से। सेवंथ ओवर की लास्ट बॉल, ईशान किशन 15 बॉल पे 23 रन, किशन ने अच्छी बैटिंग करी है। और यहाँ पे 1 रन मिल जाएगा, 7 ओवर के बाद 54 रन पे 2 विकेट मुंबई इंडियंस। सिराज का लास्ट ओवर है, सिराज से थोड़ी देर बाद में कराएंगे बॉलिंग। ग्लेन मैक्सवेल को ले आता हूँ, स्पिनर लाने पड़ेंगे। डेल स्टेन जब अपने एरा में था तब सब डरते थे उससे भाई, बहुत तगड़ा बॉलर था वो स्टेन गन। ईशान किशन 16 बॉल 24 रन, किशन अच्छी बैटिंग करी है, यहाँ सिंगल मिल जाए। नहीं रन ही नहीं लिया भाई, ये कैसे, सिंगल देना चाहिए था इन लोगों को बट इनने रन ही नहीं लिया। ईशान किशन 17 बॉल 24 रन। ग्लेन मैक्सवेल बढ़िया बॉल डालिया यार, शॉट तो मारेगा भाई वो बंदा आगे बढ़ के, ये मूड बना के आए कि आगे बढ़ के मारूंगा इस ओवर में एक शॉट। 3 बॉल अच्छी बॉल भाई, मजे आ गए भाई। ग्लेन मैक्सवेल बढ़िया बॉलिंग, उसका रन अप देखने में मजा आता था। साउथ अफ्रीका में यार प्लेयर बहुत तगड़े तगड़े रहे हैं, बहुत तगड़े तगड़े। ये शॉट अच्छा है, मैंने बोला था भाई आगे बढ़ के मारेगा। और यहाँ 6 रन ले लिए ईशान किशन ने, 20 बॉल पे 36 30 रन, बढ़िया बैटिंग। ईशान किशन 50 कंप्लीट करेगा आज अपनी, 3 बॉल डॉट बॉल गई थी, चौथी बॉल पे बंदे ने छक्का मार ही दिया है, ये भी डॉट बॉल जाएगी। लास्ट बॉल 8th ओवर की, 60 रन पे 2 विकेट मुंबई इंडियंस। और भाई बैटिंग अभी तो ऐसा लग रहा है बहुत धीरे चल रही है मुंबई की, यहाँ 1 रन मिल जाए। अरे रन ही नहीं ले रहा ईशान भाई, सिंगल देना चाहिए था यहाँ पे। 8 ओवर के बाद 60 रन पे 2 विकेट मुंबई, रन ही नहीं ले रहे। हार्दिक पांड्या 7 बॉल पे 6 रन। रीस टॉपली का लास्ट ओवर है, 23 रन दिए थे रीस ने और एक विकेट, एक और विकेट मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा, बढ़िया स्पेल हो जाएगा रीस का, सिंगल मिल जाएगा, ईशान आ जाएगा स्ट्राइक पे। आ जाए ईशान, तेरे को थोड़ी सी बाहर से डालूंगा, थोड़ी सी बाहर से डालनी है बस। 30 रन पे खेल रहा है अभी, बैटिंग तो अच्छी कर ही रहा है। ओ ये बॉल अच्छी थी यार, थोड़ी बाहर हो गई वरना LBW की भी अपील मांग लेता। बढ़िया बॉल रीस टॉपली के द्वारा। ईशान किशन 23 बॉल्स पे 30 रन, बढ़िया बैटिंग। डॉट बॉल अगेन, 2 डॉट बॉल आ चुकी हैं। ईशान किशन 24 बॉल 30 रन, थोड़ा सा रन रेट कम हो रहा है एमआई का। और भाई ये लोग रन ही नहीं ले रहे, क्यों भाई क्या हो गया ऐसा, रन तो ले लो। 61 रन पे 2 विकेट मुंबई इंडियंस, 7 का रन रेट चल रहा है इनका। ये शॉट अच्छा है ईशान किशन का, और यहाँ पे भी 6 रन मिल जाएंगे भाई। बंदा 3 बॉल डॉट बॉल खेल रहा है फिर अगली बॉल पे छक्का मार रहा है,
बढ़िया शॉट ईशान किशन, 6 रन मिले। ओहो स्टाइल देखो ईशान किशन का, शॉट अच्छा था यार, और सीधे 6 रन निकले भाई, बहुत दूर मारा है शॉट तो। ईशान किशन 26 बॉल पे 36 रन। किशन बैक इन द फॉर्म, 7.5 के लगभग दोबारा पहुंच गया रन रेट। एक और अच्छा शॉट, यहां सिंगल मिल जाएगा। बाकी स्विंग तो देखने को मिल रही है, कटर्स भी काम आ रही है बॉलरों के लिए। 9 ओवर के बाद 68 रन पे 2 विकेट, रिस टोपली बढ़िया ओवर। ईशान किशन 37 रन 27 बॉलों पे, और इस ओवर की शुरुआत, अरे यार कैच हो सकता था, इसके 4 ओवर खत्म कर दिए। अब डेथ में कौन डालेगा, मैंने यश दयाल के ओवर रखे हुए हैं अभी, और अभी इनका रन रेट इतना खास चल नहीं रहा। मैं चाह नहीं रहा था पहले के ओवरों में रन पड़े, क्योंकि टॉप ऑर्डर अच्छा है अभी तो, और ये दोनों हिटिंग कर सकते हैं, इसलिए मैंने उनसे करवा ली बॉलिंग। दयाल का पड़ा और एक उसका भी पड़ा अपने पे, हाँ मोहम्मद सिराज का। बाकी एक बार देखता हूँ, मेरे पे बॉलिंग तो पड़ी है यार अभी। स्कोर कार्ड, अबे स्कोर कार्ड नहीं, टैक्टिक्स, मैनेज बॉलर। करण शर्मा के ओवर पड़े हैं और मोहम्मद सिराज का एक ओवर पड़ा है, यश दयाल के 3 ओवर पड़े हैं, तो इसको बाद में करवाऊंगा। दयाल के डेथ ओवर में इतना अच्छा कोई मारेगा नहीं, अरे नहीं मारेंगे गेम में, नहीं मारेंगे। देखियो रियल की बात अलग है ना, गेम में ये है कि स्टार्टिंग के पहले ओवर बचा लो तो बहुत सही है। विल जैक से करवाऊं, ठीक है। हार्दिक पांड्या 7 रन 8 बॉलों पे, पांड्या भी धीरे ही खेल रहा है आज तो भाई, स्पिनर्स काम आ जाते हैं ना ऐसे मैच में, रन नहीं जाने देते। मैक्सवेल के अभी तक तो ओवर अच्छे गए हैं, सेकेंड ओवर चल रहा है, 9 रन दिए हैं मैक्सवेल ने, 10 मान लो। ईशान किशन अच्छी बैटिंग कर रहा है बस, 40 रन पर पहुंच गया 30 बॉलों पर। किशन का विकेट गिर जाए तो वो और धीरे हो जाएगा, इनका रन रेट तो काफ़ी कम चल ही रहा है। 10th ओवर चल रहा है, 72 रन बनाए हैं, 90 तो होने चाहिए थे इस ओवर में लगभग मुंबई के हिसाब से। और एक और डॉट बॉल भाई, बढ़िया ओवर 10th ओवर के बाद, 72 रन पे 2 विकेट मुंबई इंडियंस। विल जैक्स आ गया, चलो बॉलिंग करवाते हैं विल जैक्स। हार्दिक पांड्या 9 बॉल 8 रन, पहली बॉल विल जैक्स के स्पेल की, और भाई पहली बॉल पे छक्का मार दिया पांड्या ने, बहुत बढ़िया भाई। पहली बॉल डालने आया बंदा और यहाँ पे 6 रन मार दिए, अपने आईपीएल करियर की पहली बॉल आरसीबी की तरफ से, और यहाँ 6 रन ले लिया भाई, बढ़िया शॉट हार्दिक पांड्या। अब पांड्या इसका ओवर खराब ना कर दे, मेरे को ये डर है बस। बढ़िया बॉल, ये बॉल अच्छी थी, 78 रन पे 2 विकेट मुंबई इंडियंस, 11 बॉलों पे 14 रन हार्दिक पांड्या। एक और अच्छा शॉट, बट भाई बढ़िया फील्डिंग, फील्डिंग तो है आरसीबी पे, फील्डिंग भी अच्छी है। हार्दिक पांड्या 12 बॉलों पे 14 रन, मेरे ख्याल से तो यार 150 ही बन रहे हैं इनसे अब, इससे ज़्यादा लग नहीं रहा मेरे को कि 150 से ज़्यादा बनेंगे, 160-165 मैक्सिमम लग रहा है मेरे को। आज बैटिंग हो ही नहीं रही भाई मुंबई की, 14 रन पे पांड्या खेल रहा है। ईशान आउट हुआ यहाँ पे यार, ये शॉट बढ़िया है, और यहाँ पे भी 6 रन मिल जाएंगे। जैक कैलिस भाई बहुत तगड़ा ऑलराउंडर था भाई, बढ़िया शॉट हार्दिक पांड्या, 2 छक्के आ चुके हैं इस ओवर में, 12 रन ले लिए भाई 5 बॉल पे, लास्ट बॉल रह रही है इस ओवर की, एक आम बॉल डाल देते। 14 बॉलों पे 20 रन हार्दिक पांड्या, और ये अच्छी बॉल थी, इसकी बैटिंग बॉलिंग दोनों अच्छी है, पावर प्ले में बॉलिंग करके विकेट दिलाता है। ओके मैक्सवेल के भी 2 ओवर बच रहे हैं, करण शर्मा को बुला लेता हूँ यार, करण शर्मा को भी तो लाए थे हम खिलाने, लेफ्ट आर्म स्पिनर है, काम आएगा, सॉरी राइट आर्म है। ईशान किशन 40 रन पे खेल रहा है 32 बॉल्स पे, भाई ईशान किशन का विकेट चाहिए। करण शर्मा के स्पेल की पहली बॉल, और भाई बढ़िया शॉट, ईशान किशन आज पूरी फॉर्म में है भाई बंदा, और यहाँ 6 रन ले लिया अगेन, 46 पर पहुंच जाएगा भाई 33 बॉल्स पे, 50 पार्टनरशिप कंप्लीट हार्दिक पांड्या और ईशान किशन, बढ़िया बैटिंग और बढ़िया पार्टनरशिप दोनों के बीच।
50 आ रही है भाई ईशान किशन की, मैंने मैच की स्टार्टिंग में ही बोल दिया था। और ये लो भाई एक और छक्का, दो छक्के लगातार। हाँ ग्रीन मैंने आज खिलाया नहीं प्लेइंग 11 में, मेरे को भाई भरोसा ही उठ गया ग्रीन पे से। और यहाँ पे 50 कंप्लीट टू ईशान किशन, बढ़िया बैटिंग भाई ईशान किशन, 5 छक्के भाई, 30 रन तो छक्कों से ही आ गए इसके, और 3 चौके, बाउंड्रीज ही मारी है बंदे ने, 34 बॉल पे 52 रन, और 2 छक्के आ चुके थे उस ओवर में लगातार। यहाँ पे सिंगल मिल जाएगा, हार्दिक पांड्या 15 बॉल पे 20 रन बनाए हैं। ग्रीन मुंबई में तो इतना अच्छा खेल रहा था यार, पता नहीं आरसीबी में आके क्या ही हगाया बंदे ने। हार्दिक पांड्या 20 रन पे है, और यहाँ पे भी एक ही रन आएगा, रन आउट रन आउट रन आउट, बच गया भाई। कल किसने कहा था विल जैक्स खेल रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अरे उसकी उसका हुआ था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, एक वो था अपना फैफ डुप्लेसी और एक कोई बूढ़ा था मेरे को नाम नहीं पता उसका, तो उन दोनों से ऐसे पूछ रहे थे, तो बोले वी शुड कंसीडर ये विल जैक्स, तो मेरे ख्याल से तो खिला ही लेंगे क्योंकि मैचेस तो अच्छे जा नहीं रहे आरसीबी के अभी, और खिला ले तो बहुत अच्छी बात है। कब तक बैठाओगे भाई, इतना अच्छा परफॉर्मेंस करी थी उसने ओल्ड लीग में अपनी, खिला रहे हो तुम उसको, क्या फ़ायदा लेने का। बाकी देखते हैं थोड़ी देर में तो पता चल ही जाएगा प्लेइंग 11। लास्ट बॉल 12th ओवर की, और भाई ये ओवर बहुत महंगा गया, 14 रन आ चुके हैं इस ओवर में। ईशान किशन ग्रेट बैटिंग, 36 बॉल पे 53 रन, और यहाँ सिंगल मिल जाएगा ईशान को, अगले ओवर में भी स्ट्राइक पर रहेगा ईशान। आरसीबी में बस कोहली गेल डिविलियर्स खेल सकते हैं और सब ऐसे ही है भाई, प्लेयर अच्छे पता नहीं क्यों नहीं खिलाते ये लोग। ईशान किशन 34 बॉल पे 54 रन्स, 37 बॉल्स पे, बढ़िया बैटिंग करी भाई ईशान किशन ने। विल जैक्स ने 12 रन दिए थे अपने ओवर में, ईशान किशन 54 34 37 बॉल पे, 13वां ओवर चल रहा है, 99 रन बना चुकी है आरसीबी, और इस ओवर की शुरुआत हुई है डॉट बॉल के साथ। विल जैक्स एक विकेट दिलवा दे भाई, ईशान आउट हो जाए यार तो मेरे को दिक्कत नहीं है रन रेट की। ये शॉट अच्छा है, यहाँ पे भी 6 रन मिल जाएंगे भाई। ईशान किशन पूरी फॉर्म में आज, बहुत बढ़िया बैटिंग कर रहा है भाई बंदा, अकेले अपनी टीम को संभाल रखा है, बैकफुट पे आके खेला 6 रन। आरसीबी की विदेशी सारे अच्छे, अगर टॉम करन को छोड़ दे तो वो कल्लुए को, अल्जारी जोसेफ ने तो पहले मैचेस में ही दिखा दी भाई अपनी औकात, पता नहीं राजस्थान भी कैसी खिला रही थी जोसेफ को। 60 रन 39 बॉल पे भाई ईशान किशन, सेंचुरी आएगी क्या? सेंचुरी तो मुश्किल है, 105 रन पे 2 विकेट आ भी सकते। अरे यार एज लग गया और एज का चौका मिल जाएगा किशन को भाई, बढ़िया फील्डिंग, विराट फील्डिंग एफर्ट भाई विराट कोहली। हार्दिक पांडे 21 रन 16 बॉलों पे, और भाई रन रेट बढ़ गया इनका, 8.37 पहुंच चुका है, और यहाँ बढ़िया भाई, दोनों अच्छी हिटिंग कर रहे हैं यार, अब बहुत बढ़िया हिटिंग कर रहे हैं यार दोनों, 110 रन पे 2 विकेट। वो बस डेब्यू पे अच्छा खेला था 2019 में, 12 रन देकर 6 विकेट। हाँ 13वें ओवर की लास्ट बॉल विल जैक्स, ये ओवर भी थोड़ा महंगा पड़ा है, 11 रन आ चुके हैं। हार्दिक पांड्या 25 रन 17 बॉलों पे, और ये बॉल अच्छी थी, भाग भाग रन ले। 13 ओवर के बाद 110 रन पे 2 विकेट, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर। करण शर्मा पहले ओवर में 15 रन दिए थे, तो करण शर्मा को क्या कराना चाहिए हम लोगों को, 110 रन पे 2 विकेट करण शर्मा इस ओवर की पहली बॉल, और ये डॉट बॉल गई है, कहां कहां कहां, अरे कहां, भाई विकेट चाहिए यार। ईशान किशन 61 पे पहुंच गया 42 बॉल्स पे, 110 रन 2 विकेट, ये अच्छी बॉल डाली है, यहां सिंगल मिल जाएगा ईशान को, हार्दिक आ जाएगा स्ट्राइक पे। स्पिनर ने तो भाई यहाँ रन पिटवा दिए, जहां मैं रन बचाने की बात कर रहा था वहां रन पिटवा दिए स्पिनर्स ने। हार्दिक पांड्या 25 25 रन 18 बॉलों पे, बाउंड्री नहीं आनी चाहिए यार, यहाँ एक रन मिल जाएगा। ईशान किशन अगेन ऑन द स्ट्राइक, 112 रन 2 विकेट। एमआई की बैटिंग तो अच्छी है आज, सूर्य कुमार यादव भी रहेगा ही,
वो तो पिछली बार सोच के आया था कि उड़ा के खेलना है, सेकंड बॉल पे आउट हो गया बेचारा। किसका विकेट जाएगा पहले, ईशान किशन या हार्दिक पांड्या, कमेंट सेक्शन में बताओ। और यहाँ चौका मिल जाएगा ईशान किशन को, भाई विकेट तो नहीं आ रहा आज इसका, ये चौके छक्के ही मारेगा। बढ़िया स्वीप शॉट खेला और इजीली 4 रन ईशान किशन के लिए। स्लाइडर डाल के देखते हैं यार, एक विकेट तो मिले, 66 रन्स। ईशान किशन ओके, बढ़िया बॉल थी। बाकी ओवर खत्म होता है 14 ओवर के बाद, 116 रन पे 2 विकेट। MI मैक्सवेल को ले आऊं, सिराज का एक ओवर बच रहा है, करवा लूं क्या? करवा लेता हूं, सिराज का एक ओवर बचा के कहां जाऊंगा, बस रन ना पड़ जाए सिराज के ओवर में। डर लगता है सिराज से बॉलिंग कराने में, सच बताऊं तो। पांड्या स्ट्राइक पे 26 रन पे खेल रहा है पांड्या, 116 रन पे 2 विकेट गिर चुके हैं MI के। और ओवर की शुरुआत ही छक्के के साथ हुई है, इसलिए नहीं करवा रहा था मैं बॉलिंग मोहम्मद सिराज से, बस इसलिए बॉलिंग नहीं करवाता हूं मैं। ये रन पिटवाता है भाई अपने ओवरों में, और पता नहीं T20 वर्ल्ड कप में क्या हाल करवाएंगे यार ये हार्दिक पांड्या। पहली बॉल पे छक्का पिटवा तो दिया यार, RCB मिलके माइक हसी के, RCB माइक हसी की कोचिंग में अच्छा कर रही थी, पता नहीं उसे क्यों हटा दिया। अरे यार इनका ना कुछ समझ में नहीं आता, IPL में मैनेजमेंट बहुत अलग ही रहती है यार। पांड्या ने अच्छी बैटिंग करी है, 21 बॉल पे 32 रन, यहाँ सिंगल मिल जाएगा भाई, डायरेक्ट थ्रो मार देता, कितना बड़ा रन आउट था यार ये अगर डायरेक्ट थ्रो लगता तो। बाउंसर मार के देखते हैं भाई, पांड्या भी अच्छी बैटिंग कर रहा है अब तो, 22 बॉल पे 34 रन्स, इस ओवर में भी 8 रन आ गए। और ये बढ़िया बॉल थी, एक ही रन मिलेगा खैर। लेग बाइस का रन दिया है ईशान किशन, 46 बॉल 66 रन्स। भाई एक और, बट भाई ईशान किशन को तो कहीं बॉल डाल दो आज, ये बंदा भाई छक्के मारेगा ही। मैनेजमेंट तो दिल्ली की भी तगड़ी है पर पीछे से फर्स्ट पे, हाँ वो चीज तो है। ईशान किशन बैक इन द फॉर्म भाई, बढ़िया शॉट और 6 रन अगेन भाई, कहीं बॉल डाल लो इस बंदे को, ये बंदा छक्के चौके मार रहा है आज। बढ़िया बैटिंग ईशान किशन, 72 रन 47 बॉलों पे, लास्ट बॉल। और भाई सिराज के लो भाई, 78 पे पहुंच जाएगा बंदा 48 बॉल पे, और क्या बैटिंग करेगा इससे तगड़ी। 100 पार्टनरशिप कंप्लीट हो चुकी है भाई ईशान और हार्दिक पांड्या की, 137 रन पे 2 विकेट। पांड्या की भी 50 लग जाएगी भाई मेरे को लग तो रहा है। करण शर्मा भाई विकेट ले ले, एक स्पिनर क्यों बुलाया था मैंने। लो भाई, अबे यार भाई आज मुंबई पूरी फॉर्म में है, एक और मैच हारने वाली है आज RCB लग तो रहा है। इस बार हार्दिक पांड्या के बल्ले से 6 रन, फील्डर खड़ा था वहां पे, टाइमिंग इतनी अच्छी करी बंदे ने, सर के ऊपर से निकल गई। और जहां लग नहीं रहा था 150 नहीं बनेंगे, वहां 143 बना दिए। ये डॉट बॉल तो आएगी दिनेश कार्तिक, बढ़िया बढ़िया बैटिंग भाई MI। वानखेड़े के देख लो भाई स्टेडियम, स्टेडियम देख के ही खुश हो जाओ, अभी तो बॉलिंग में तो खुश हो ही नहीं पा रहे यार, इतनी तगड़ी बैटिंग करी है MI ने आज। भाई विकेट मिल जाए इस पे तो, भाई बढ़िया विकेट, हार्दिक पांड्या आउट, करण शर्मा ले ही गया भाई एक विकेट, बढ़िया। 50 तो कंप्लीट नहीं हुई पांड्या की, और भाई विल जैक्स का एक बढ़िया कैच, दोबारा भाई कवर्स के ऊपर से मारने के लिए कोशिश थी और छक्का ही जाता अगर ये कैच नहीं होता तो। पांडे आउट, 40 रन बना के 26 बॉलों पे, 4 छक्के और 2 चौके मारे हैं बंदे ने। तिलक वर्मा आ चुका है बैटिंग करने, पहले आ गया था आज पांडे तिलक वर्मा से बैटिंग करने, अब दोनों लेफ्टी हो चुके हैं, दिक्कत एक ये भी हो गई है। 143 रन पे 3 विकेट MI, 16वां ओवर चल रहा है, 6 रन आए हैं इस ओवर में। और लो भाई MI सोच के आई आज अटैकिंग ही खेलना है, तिलक वर्मा पहली बॉल पे ही आगे बढ़ के शॉट मारा है, सिंगल ले लिया, खैर खाता को खुल गया। ईशान किशन 78 पे, मेरे को लग रहा है भाई सेंचुरी मारेगा आज बंदा अपनी। ईशान किशन का विकेट गिर जा, 144 रन पे 3 विकेट मुंबई इंडियंस। बढ़िया फील्डिंग दिनेश कार्तिक, ये विल जैक के सर पे ऑरेंज कैप कहां से आ गया।
पता ही नहीं यार। ईशान किशन 78 रन 49 बॉल्स पे, 144 फॉर 3 मुंबई इंडियंस। बढ़िया बॉल, ये अच्छी बॉल थी करण शर्मा की। यहाँ सिंगल मिला, 2 रन मिल जाएंगे। चलो ओए, एक ही रन लिया, बहुत बढ़िया। 16 ओवर के बाद 145 रन पे 3 विकेट। ईशान किशन बहुत तगड़ी पारी खेली है भाई आज बंदे ने। यश दयाल को ले आता हूँ, 8 रन देके भाई बंदे ने 1 विकेट लिया था। रोहित शर्मा को भाई दयाल ने आउट किया था, तो क्या पता अब भी काम आ जाए। वैसे है तो एक्सपेक्टेशन बहुत गलत कि काम आ सकता है, बट देख लेते हैं। 79 रन पे भाई ईशान किशन 50 बॉलों पे। ओ ये अच्छी बॉल थी और लाइट जा चुकी है, पता है। व्हाट द हेल, आज के टाइम ही लाइट जानी थी, बाकी आ चुकी। मेरी लाइट बंद करते ही लाइट आ गई। चलो कोई बात नहीं आई। ओके भाई आ जाइयो यार लाइट। 145 रन 3 विकेट मुंबई इंडियंस। क्यों मेरा दिमाग खराब कर रहे हो? बाकी यहाँ 1 रन मिलेगा। हेलो, स्ट्रीम चल गई मेरी? हेलो, चलो यार चल तो गई, लाइट चली गई थी, दिमाग खराब हो गया था भाई कसम से। स्ट्रीम को करता हूँ कंटिन्यू। हिमांशु भाई क्या हाल है तुम्हारे? भाई आधी स्ट्रीम करते करते लाइट चली गई और मेरा इतना दिमाग खराब हुआ ना। चलो अब करते कंटिन्यू मैच, जो हमारा मैच चल रहा था। आई होप कि सभी सही चल रहा होगा। अभी एक बार चेक कर लेता हूँ फिर देखते हैं। हाँ चलो, सब कुछ सही चल रहा है भाई। कल कौन जीता? कल यार जीटी जीत गई थी और वो अनएक्सपेक्टेड था एकदम। हम में से किसी को लग नहीं रहा था कि जीटी जीतेगी। वाकई भाई जीटी ने काफ़ी अच्छा कमबैक करा कल के मैच में। और रुको एक बार, मैं अपनी ये लिंक भेज दूँ भाई एक दोस्त के पास। बाकी भाई आज तो 1 घंटे पहले, मतलब 1 या 1.5 घंटा हो, 1 घंटा हो गया होगा मैंने स्ट्रीम करी थी और वो स्ट्रीम वहीं रुक गई थी। मेरा बहुत दिमाग ख़राब हुआ था। बाकी ये बढ़िया, मैंने मैचेस सेव कर रखे थे तो हमारा कंटिन्यू वहीं से चलेगा मैचेस, उसकी कोई दिक्कत है नहीं हमारे को। ये चीज़ सही हो गई कि स्ट्रीम मैंने डायरेक्ट बंद नहीं करी थी, वरना पूरी स्ट्रीम दोबारा अगेन चालू करनी पड़ती मेरे को। बाकी स्ट्रीम यहीं से चालू कर लेते हैं अब। लास्ट में राशिद खान ने जिता दिया भाई। राशिद खान काफ़ी बढ़िया खेला लास्ट में। और अभी कंटिन्यू कर रहे थे, ईशान किशन 88 पे पहुंच चुका था और 2 या 3 ओवर बच रहे थे पहले इनिंग्स के, वो कंटिन्यू करते। और यार सॉरी लाइट चली गई थी, उसके लिए मैं कुछ कर नहीं सकता था। जितनी देर यूपीएस चार्ज था उतनी देर मैंने स्ट्रीम करी, फिर नेट ही बंद हो गया डायरेक्ट, तो उसके लिए मेरे को माफ़ करना यार। ईशान किशन 188 58 बॉल्स पे। ईशान किशन आज काफ़ी सही खेला है, 161 रन पे 3 विकेट मुंबई इंडियंस। 19th ओवर चल रहा है, यश दयाल कर रहा है बॉलिंग और पहली बॉल ही अच्छी डाली है। और मैं चाह रहा हूँ यार ईशान किशन की हाफ सेंचुरी, वो सेंचुरी होने से बच जाए। क्या लगता है आज कौन जीतेगा? यार मेरे को सच में तो मुंबई का चांस लग रहा है। एक तो होम ग्राउंड मैच है, कल वैसे होम ग्राउंड तो कर राजस्थान का भी था, बट भाई किस्मत साथ नहीं दी राजस्थान की, जीत जाते भाई। मगर कल जीटी काफ़ी अच्छा खेल गई, बात ये हुई लास्ट में। और शुभमन गिल की पारी ने भाई बहुत हेल्प करी है जीटी की कल जीतने के लिए। बाकी आज अगर विल जैक्स खेला, मतलब बात तो हो रही है कि विल जैक्स खेलेगा, तो आरसीबी के चांसेस भी हैं। कोई भी जीत सकता है यार आज। आरसीबी चाहेगी तो कि भाई मैच जीते, क्योंकि काफ़ी मैच अच्छे गए नहीं उनके। बाकी ईशान किशन की सेंचुरी हो सकती है इस मैच में। 89 पे पहुंच गया ईशान, 163 रन पे 3 विकेट। ईशान किशन ऑन 89 59 बॉल्स पे। और यहाँ पे भाई 95 पे पहुंच जाएगा अगर ये सिक्स गया तो। बहुत बढ़िया भाई, ईशान किशन ऑन 95। और आज सेंचुरी आने वाली है भाई ईशान किशन की। कमाल कर दिया भाई बंदे ने आज, 95 रन 60 बॉलों पे। बढ़िया बैटिंग करी आज गेम में तो भाई, बढ़िया करी है। रियल में देखेंगे क्या कमाल करता है। तिलक वर्मा 9 रन पे खेल रहा है ईशान किशन के साथ। और यहाँ पे एज और सिंगल ही मिला मेरे को लगा भाई। चलिए कैच भी ड्रॉप हुआ था इसलिए आरआर ने 196 बना दिए। हाँ कैच ड्रॉप हुआ, बाकी देखते हैं
आरआर मगर वैसे अच्छा खेल रही है इस सीजन। पहला आईपीएल भी वही जीते थे यार, 2008 वाला। क्या पता ये आईपीएल भी जीती जाए। 170 रन्स लास्ट ओवर है भाई, लास्ट ओवर में करवाऊंगा विल जैक्स या ग्लेन मैक्सवेल। मैक्सवेल से कराते हैं, 2 ओवर में 10 रन दिया है मैक्सवेल ने। और ये थोड़ी गड़बड़ हो गई, हमको पेसर ही लाना चाहिए था लास्ट ओवर में, बट कोई है नहीं अभी। 96 पे खेल रहा है ईशान किशन। मेरे ख्याल से ईशान किशन की सेंचुरी आज कंप्लीट हो जाएगी। ये शॉट बढ़िया, और भाई ईशान किशन की सेंचुरी, बहुत बढ़िया सेंचुरी भाई अपनी टीम के लिए। 10 छक्के मारे हैं भाई बंदे ने, 60 रन ओनली छक्कों से आए हैं ईशान किशन। 10 छक्के 5 चौके, 80 रन भाई बाउंड्री से। ईशान किशन आज भाई बहुत तगड़ा खेला है, 62 रन पे 100, बहुत बढ़िया इनिंग्स ईशान किशन के द्वारा। और भाई एक बार और एच का, बाकी चौका नहीं जाना चाहिए भाई, रोक लो। दिनेश कार्तिक बढ़िया फील्डिंग, 2 रन तो आए गए। 176 भाई, अकेले ईशान किशन ने 100 बनाया है और पूरी टीम ने 76 रन। यही है, एक बंदा चल जाता है तो यार टीम को मेहनत नहीं करनी पड़ती। बाकी दोबारा अगेन एज, और यहाँ शायद बाउंड्री मिल जाए। वैसे दिनेश कार्तिक है, कितना जाएगा टारगेट? मेरे ख्याल से 190 जा सकता है, 3 बोले बच रही हैं। तिलक वर्मा ऑन द स्ट्राइक, लास्ट की 3 बोल, 9 का रन रेट चल ही रहा है इनका। ये शॉट अच्छा है और यहाँ चौका जरूर मिलेगा, 181/3। अगर मैक्सवेल ओडीआई समझकर आईपीएल खेला तो शायद आरसीबी 3 मैच नहीं हारती। यार पता ही नहीं मैक्सवेल का ना, सच में समझ में नहीं आता। वो टूर्नामेंट्स के अंदर इतना अच्छा खेलता है, यहाँ पे आके हक देता है आईपीएल में। और ऐसा नहीं है पोटेंशियल नहीं है बंदे में, बंदे में पोटेंशियल बहुत है। और यहाँ कैच मिल जाएगा, बढ़िया कैच फैब डुप्लेसी का। तिलक वर्मा आउट, 13 रन बना के लास्ट ओवर में विकेट मिला है भाई ग्लेन मैक्सवेल। आज देखते हैं विल जैक्स को खिलाने की बात हो रही है, विल जैक्स को खिला ले तो बढ़िया भाई, बैट्समैन अच्छा है विल जैक्स। बाकी देखते हैं, तिलक वर्मा 13 रन बना के आउट। टिम डेविड लास्ट बॉल पे आया भाई इनिंग्स की, देखते हैं लास्ट बॉल पे क्या कमाल करता है टिम डेविड। लास्ट बॉल ऑफ द इनिंग्स, 181 रन 4 विकेट मुंबई इंडियंस। और भाई लास्ट बॉल पे भी विकेट ग्लेन मैक्सवेल, 2 बॉल लगातार 2 विकेट, लास्ट के 2 बॉल पे विकेट ले गया भाई मैक्सवेल। बढ़िया बॉलिंग भाई मैक्सवेल के द्वारा, और रिव्यू लेने का फायदा नहीं है यार, लास्ट बोले क्या करोगे रिव्यू लेके। पहली बॉल पे आउट टिम डेविड, बढ़िया बॉलिंग भाई। विल जैक और फैफ से ओपन करवा यार, ओपनिंग अब सेट हो जाएगी ना, वो फिर हो ही नहीं पाएगी, चेंज नहीं कर सकता अभी मैं। 1 डाउन ही चेंज कर सकता हूँ, 1 डाउन बुला लेता हूँ विल जैक्स को। रुको एक मिनट, टैक्टिक बैटिंग ऑर्डर, विल जैक्स 1 डाउन, 2nd डाउन में बुलाऊंगा रजत पाटीदार, ग्लेन मैक्सवेल ठीक है, ग्लेन मैक्सवेल को बाद में बुलाऊंगा, अनुज रावत, दिनेश कार्तिक, करण शर्मा, चल ठीक है 1 डाउन आएगा विल जैक्स, बाकी देखते हैं। शुभमन ने सारा गिल को देखकर, शुभमन भी लाइक खेलना पड़ेगा। सही बात है भाई, वो कर तो देता है यार परफॉर्म कई बार। जसप्रीत बुमराह पहला ओवर, और पहली बॉल पे चौका बुमराह की, भाई साहब शुभमन गिल के ऊपर जोक बना दिया यार। सारा गिल नहीं, सारा तेंदुलकर है वो। शिट भाई, फैफ डुप्लेसी पहली बॉल पे चौका आया, और गिल हो जाएगी यार थोड़े टाइम में, टेंशन क्यों ले रहा है। फैफ डुप्लेसी पहली बॉल पे 4 रन भाई, बुमराह ले सकता है विकेट पहले के ओवरों में, यहाँ पर रन आउट नहीं होना, टिम डेविड के हाथ में बॉल है तो। बाकी ये अच्छा हुआ कि स्ट्रीम वहीं से कंटिन्यू हुई है, मेरे को लग नहीं रहा था वहां से कंटिन्यू होगी। फैफ डुप्लेसी 2 बॉल पे 4 रन, विराट कोहली अभी तक भाई आया नहीं है, बैट का ग्रिप डाल देगा सचिन। फैफ डुप्लेसी 2 बॉल 4 रन, सचिन को पता तो होगा यार, ऐसा तो है नहीं कि पता नहीं होगा। यहाँ पे वाइड भाई, बुमराह कैसी बॉलिंग करवा रहा है, लाइन लेंथ कहाँ गई ब्रो। फैफ डुप्लेसी 2 बॉल पे 4 रन, 182 का टारगेट है आरसीबी के लिए। और भाई बुमराह पता नहीं वाइड डाल दी, हाँ भाई तो सारा गिल होने वाली है अब। बढ़िया फील्डिंग यार टिम डेविड, सिंगल मिलेगा खैर, यहाँ पे स्ट्राइक पे आ जाएंगे विराट कोहली। और भाई ऑरेंज कैप दोबारा रेहान पराग के पास जा चुकी है, तो इस बार तो भाई रेहान पराग पूरा एकदम रिडेम्पशन कर रहा है अपना, कि कोई बात नहीं पिछले साल तुमने मेरा मजाक उड़ा लिया, इस साल अच्छा परफॉर्म करके दिखाऊंगा। और वो बंदा कर भी रहा है भाई, कंसिस्टेंसी से बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है।
भाई सिग्नेचर शॉट विराट कोहली का, बढ़िया कवर ड्राइव। होने तो दो, पहले से ही पहले ही गिल बना दो। अरे यार कोई बात नहीं, हो जाएगी, टेंशन की ले रो। बाकी भाई विराट कोहली की बढ़िया कवर ड्राइव 4 रन के लिए, और पहले ओवर में काफी अच्छे रन आ चुके हैं, 4 बॉल हुई है, 10 रन आ चुके हैं। बाकी जसप्रीत बुमराह का एक्शन तो चलो गेम वालों ने अच्छा रखा है, इनको लाने चाहिए। और बाकी 2-3 मोबाइल गेम्स की भी अब स्ट्रीम करना स्टार्ट करूंगा। कहाँ है पराग पर ऑरेंज कैप भाई? कल मिली है शायद, शायद अभी याद नहीं भाई। विराट को आज नहीं खेला तो अनुष्का बात नहीं करेगी। भाई विराट तो खेल ही रहा है शायद, मेरे को अभी कंफर्म पता नहीं, नहीं होगी यार। विराट पे 316 रन है ना शायद, सही कह रहा, अभी नहीं होगी। विराट खेलेगा, विराट अकेला तो खेल रहा है यार अपनी टीम की तरफ से, बेचारा क्या ही करे। पहले ओवर से आया 12 रन 0 विकेट। हाँ भाई 316, समझ गया अब याद आया मेरे को। ल्यूक वुड, वुड भैया आ गए बॉलिंग कराने। फैफ डुप्लेसी 3 बॉल पे 4 रन 5 रन, और ये बॉल अच्छी डाली है, रन आउट मत हो जाना। वैसे यार रन आउट का बहुत डर रहता है गेम के अंदर। कोहली अगेन 700-800 रन मारने वाला है सीजन। T20 वर्ल्ड कप भी तो जिताना है भाई इंडिया को, कोहली को। भाई ये अच्छी बॉल डाल रहा है ल्यूक वुड, स्टंप पे लग रहा है। क्या लगता है जसप्रीत बुमराह कितने विकेट लेगा? 22-25 तो आराम से ले ही लेगा, 22 तो लेगा कम से कम, 20-22 तो लेने चाहिए भाई, क्योंकि यार वर्ल्ड कप की तैयारी भी तो करनी है, और इतने विकेट ले तो ठीक है भाई, वो यॉर्कर डाल सकता है बंदा, 20 तो मिनिमम ले ही लेगा। ऑरेंज कैप, वो पर्पल कैप तो नहीं आने वाली, पर्पल कैप क्या लग रहा है किसके पास रहेगी अब की बार, बता रवि क्या लगता है इस बार पर्पल कैप किस पे होने वाली है? विराट कोहली 4 बॉल पे 7 रन, भाई बढ़िया बॉलिंग करा रहा है ल्यूक वुड, 3 बॉल अच्छी लेंथ पे डाली अभी तक। मयंक यादव इंजर्ड हो गया, पता है यार वही तो दिक्कत है अब मेरे को, ये साला इंजर्ड होके आए और फिर पेस कम ना हो जाए यार उसकी, 1.5 हफ्ते के लिए तो बाहर है। रियान पराग अच्छा खेल रहा है यार, वो बंदा ना जगह तो बना लेगा इंडियन टीम में अपनी। शॉट बढ़िया है बट पीछे फील्डर, भाई बढ़िया ओवर जा रहा है ल्यूक वुड, 5 बॉल पे 5 ही रन दिए हैं और 5 बॉल पे सिंगल आए हैं ल्यूक वुड के। विराट कोहली 8 रन पे 17 रन पे 0 विकेट, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर। लो भाई ओवर बहुत बढ़िया गया है, 6 रन आए इस ओवर में सिर्फ, 2 ओवर के बाद 18 रन पे 0 विकेट, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर। भाई बढ़िया बॉलिंग ल्यूक वुड की, 6 रन दिए ओवर में, बढ़िया ओवर भाई MI के लिए। गैरल्ट कोडजी आ चुका है भाई बॉलिंग कराने, कोडजी भी यार अच्छा बॉलर है, पता ही नहीं क्या क्या बोलूँ यार मैं, समझ में नहीं आता मेरे को तो कई बार, ये तो जया तो जानबूझ के IPL में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करते। फील्डिंग देखो भाई, टिम डेविड को हटाओ यार वहां से, कई बार मेरी कवर ड्राइव रोक ली टिम डेविड ने। भाई डेविड थोड़ा सा साइड हो जाओ यार, 19 रन 0 विकेट। RCB फैफ डुप्लेसी 8 रन पे 6 बॉलों पे, ये बढ़िया शॉट है, 4 रन मिल जाएंगे। फैफ डुप्लेसी बढ़िया चौका, गैरेट कोडजी के ओवर की सेकंड बॉल पे चौका मिल चुका है हम लोगों को। हर ओवर में एक या दो बाउंड्री आ जाए बहुत है, 182 का टारगेट है, विकेट नहीं गिरे तो भाई आराम से जीत सकते हैं, मेन विकेट का डर है। ये अच्छा शॉट अगेन, और यहां पे भी चौका मिल जाएगा, बढ़िया बाउंड्री, 2 बाउंड्री लगातार फैफ डुप्लेसी, और ये अच्छी कवर ड्राइव थी, गैप देख के मारा, 27 रन 0 विकेट। फैफ डुप्लेसी 8 बॉल पे 16 रन, 200 का स्ट्राइक रेट, नाइस। एक और अच्छा शॉट बट इस बार 1 ही रन मिलना है। भाई मैंने बोला कि मैं तो RCB को सपोर्ट कर रहा हूँ, वो बोला तू RCB को सपोर्ट कर रहा है, पता नहीं कल से बात नहीं कर रहा, बाद में पता चला कि वो CSK का फैन था। भाई फैन तो मैं भी CSK का ही हूँ, बट एक बार चाहता हूँ कि RCB जीते यार, क्योंकि यार कोहली बहुत टाइम से मेहनत कर रहा है भाई अपनी टीम के लिए, बहुत ज़्यादा ही साल हो गया यार कुछ, तो एक बार तो चाहता हूँ RCB जीते। फैन तो देखो मैं CSK का यूं स्टार्टिंग से, बट CSK मुंबई RCB इनके मैचेस देखने में मजा तो आता है, बट यार अब क्या ही बोले, RCB की किस्मत में नहीं है ट्रॉफी तो कुछ कह नहीं सकते। 3 ओवर के बाद 30 रन पे 0 विकेट, पीयूष चावला आ चुके हैं बॉलिंग करवाने, स्पिनर काफी जल्दी नहीं बुला लिया, 4th ओवर ही स्पिनर से।
चाहे किसी भी टीम का फैन हो, हर बंदे के दिल में आरसीबी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है। हाँ भाई है ही यार, आरसीबी के लिए नहीं है यार, देख विराट कोहली के लिए है। सच बताऊँ तो भाई वो बंदा वर्ल्ड कप देख ले, तू हर जगह देख ले, वो इतना अच्छा परफॉर्म करता है, बट भाई उसकी टीम नहीं जीतती। और फिर उसका जब मुंह देखते हैं ना भाई, मतलब किस्मत खराब है यार बंदे की। उसका ना रोनाल्डो वाला हाल है, सेम रोनाल्डो है भाई, दोनों की स्टोरी बहुत सिमिलर है, बहुत। दोनों के फादर नहीं, दोनों अच्छा परफॉर्म करते हैं, रिकॉर्ड है भाई बंदों के, और भाई दोनों के पास चैंपियनशिप नहीं है, ये चीज़ का वो है। बाकी एक रन मिलेगा, पीयूष चावला अच्छी बॉलिंग करवा रहा है। विराट छोड़ दे आरसीबी, बस बैंगलोर वाले सपोर्ट करेंगे आरसीबी को, और कोई नहीं। हाँ वही चीज़ है, विराट की वजह से इतना सपोर्ट मिलता है आरसीबी को यार। 35 रन पे 0 विकेट आरसीबी, और पीयूष चावला ने अच्छा ओवर डाला है, ये रन आउट हो जाता अगर मैं भागता तो। ल्यूक वुड ओवर अच्छा गया, 5 रन आए हैं इस ओवर में, और इसके बाद 2 ओवर बचेंगे हमारे पास पावर प्ले के। मुंबई के 2 विकेट गिर गए थे पावर प्ले के अंदर। ये अच्छा शॉट है विराट कोहली का, 6 रन मिलेंगे, बढ़िया शॉट, अच्छी कवर ड्राइव अगेन, वही 6 रन विराट कोहली के खाते में। वानखेड़े स्टेडियम, वन ऑफ द बेस्ट स्टेडियम भाई इंडिया में। हार्दिक पांड्या फील्डिंग चेंज करते हुए, ये बॉल पक्का लेग साइड में आने वाली है, पीछे फिल्टर लगा, अरे ऑफ साइड ही डाल दी, वाओ। चलो 4 ओवर के बाद 42 रन पे 0 विकेट भाई। आज हार्दिक पांड्या भी लाइक आज मैच खेल नहीं चाहूँगा, सब छपरी बोल देंगे। हाँ आज तो मुंबई में मैच है बेटे, सही बात। विराट कोहली 11 ओवरों पे 18 रन, आरसीबी 42 रन पे 0 विकेट, और ये वाइड मिल जाएगी। गैरल्ट कोडसी स्टार्टिंग ही करिए वाइड के साथ, इतनी वाइड कौन डालता है बे। लो भाई फर्स्ट बाउंसर भी और पहली वाइड भी आ चुकी है इस ओवर की, बहुत बढ़िया। ये शॉट अच्छा है विराट कोहली का, और एक और चौका भाई, पावर प्ले के 2 ओवर बचे हैं, तो 60 रन तो चाहिए हमको पावर प्ले के अंदर, मिनिमम 60 रन चाहिए। बाकी बढ़िया कवर ड्राइव थी, और वो फिल्टर ट्राई भी नहीं कर रहा है, शायद पांड्या ही खड़ा था उस साइड, उसने ट्राई भी नहीं करा बॉल पकड़ने का। ये चीज़ तो है, लोग हेट करने के चक्कर में बंदे के पास्ट में क्या 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 वो भूल जाते हैं। मैंने बोला तो था तेरे को कल की स्ट्रीम में, बोल तो रहा था कि भाई कुछ भी हुआ हो, कितना भी कुछ, चल ठीक है पांड्या को हेट मिल रहा है, मगर भाई उसने पास्ट में बहुत चीज़ें करी हैं, बहुत। हर प्रेशर वाले मैच में अच्छा परफॉर्म किया है बंदे ने, बट वही है एक बार हेट मिलने लग जाते। एक और चौका आ गया इस ओवर में, बढ़िया। और भाई 50 पार्टनरशिप कंप्लीट विराट कोहली एंड फेफ डू प्लेसी, और विराट कोहली की नाक इतनी मोटी कैसे हो गई गेम के अंदर, वाओ। ये थोड़ा चेंज करना पड़ेगा भाई, कहाँ बॉल डाल रहा है, बार बार उसी लेंथ पे बॉल, और एक और चौका। 2018 एशिया कप के बाद से बंदा इंजर्ड ही चल रहा है, वरना सारे मैच खेला करता था, वो चीज़ तो है। और भाई उसने फील्डिंग में भी बहुत अच्छा एफर्ट दिया भाई, हार्दिक पांडे फील्डिंग होगी, बॉलिंग में देख ले, बैटिंग में लोअर ऑर्डर में वही था एक अकेला जो संभालता था, वरना कोई था नहीं उस टाइम पे, है तो अब भी नहीं, लोअर ऑर्डर तो अब भी मेरे को ऐसा लगता है भाई ख़राब है इंडिया का। बाकी T20 वर्ल्ड कप में पता नहीं कौन सी टीम जाएगी क्या जाएगी। लास्ट बॉल इस ओवर की, और भाई इस ओवर में 3 चौके आ चुके हैं और एक वाइड, 13 रन आ चुके हैं। गैरल्ट कोल्डसी अपने 2 ओवर में 25 रन दे चुका है, और एक और चौका भाई, बहुत बढ़िया। 5 ओवर के बाद 59 रन 0 विकेट आरसीबी। गैरल्ट कोडसी का ये ओवर भी पिट गया बहुत गंदा, और भाई बढ़िया शॉट यहाँ पे। जसप्रीत बुमराह पहले ओवर में 12 रन दिए थे, एंड यहाँ पे अगेन बुमराह आ चुका है बॉलिंग करवाने। भाई पैसे के चक्कर में सारे सिराज नहीं हो सकते, मैंने उससे 20 करोड़ ऑफर किया था पर नहीं गया वो, MI ने उसे, ये चीज तो है यार। देख वो खुद भी तो यार पैसे के लिए खेल रहे हैं, चाहे कुछ भी हो, मतलब बहुत कम तेरे को प्लेयर मिलेंगे जो भाई एकदम लॉयल हो जाएंगे टीम के लिए, बहुत कम होंगे। विराट है, धोनी है, 2-3 प्लेयर ही हैं ऐसे जो है, बट यार देख उनको भी तो कमाना ही है भाई। शमी इंजर्ड होने के बाद भी उसने ODI खेला, यार देख शमी के लिए अलग रिस्पेक्ट है भाई, उस बंदे की इंजरी में वो नी में इंजरी थी, फ्लूड निकलता था नी में, तब भी भाई बंदे ने बॉलिंग करी है, वर्ल्ड कप में भी करी है भाई। तो भाई ऐसे तो यार युवराज सिंह को देख लो यार, कैंसर में खेला है बंदा, बट उसका कंट्रीब्यूशन कोई याद नहीं रखता, याद रखते हैं बट वही लोग जो भाई
धोनी को थोड़ा हेट करता है। बाकी युवराज ने तो भाई बहुत कुछ करा था। और देखो यू बोल, अरे यहां विकेट ले लिया विराट आउट, जसप्रीत बुमराह। भाई ये क्या विकेट था, मैं कवर ड्राइव मारने गया। और भाई हार्दिक पांड्या का बढ़िया कैच, सॉरी सूर्य कुमार यादव, बहुत ग्राउंडेड कैच पकड़ा। विराट कोहली आउट 34 रन्स बना के 18 बॉलों पे। विल जैक्स आएगा वन डाउन। भाई साहब बढ़िया कैच यार सूर्य कुमार यादव का, बहुत सही कैच पकड़ा बंदे ने, कैच तो बढ़िया था भाई, कुछ भी कहो कैच ऑफ द मैच। हेलो भाई विल जैक्स आता ही चौका। विल जैक्स है ना मेरे को बैंटन का इले वो विलन याद आ जाता है, विल गैक्स वही याद आ जाता है उसका नाम सुन के। बुमराह यार बॉलिंग तो अच्छी करा रहा है, ये थोड़ी सी क्रॉस सीम डाली बट यहाँ पे चौका पड़ गया। विल जैक्स बढ़िया शुरुआत अपनी इनिंग्स की चौके के साथ, 68 रन पे एक विकेट। आरसीबी छठे ओवर की 2 बॉलें बच रही है और पावर प्ले की लास्ट की 2 बॉलें हैं। इस ओवर में भी 9 रन आ गए बट एक बड़ा विकेट गिरा है विराट कोहली का। ओ फील्डिंग, रोहित शर्मा चौका बचा लिया भाई बंदे ने, बढ़िया फील्डिंग भाई रोहित के द्वारा, बहुत सही फील्डिंग यार रोहित शर्मा। और यहाँ पे चौका बचाया भाई रोहित शर्मा ने। भाई ये कैच भी हो सकता था, ओके कैच बच गया भाई यहाँ पे, वरना विल जैक्स आउट होता और यहाँ पे एक और विकेट मिल जाता बुमराह को अगर ये पकड़ लेता रोहित शर्मा। वैसे हथेली पे लग के भाई हट गई बॉल, मगर बढ़िया फील्डिंग एफर्ट रोहित शर्मा के द्वारा। 6th ओवर की लास्ट बॉल, 48 रन पे एक विकेट आरसीबी। लास्ट बॉल पावर प्ले की भी और इस ओवर में आए हैं 9 रन। विल जैक्स 2 बॉल पे 4 रन, और मैं इस बॉल पे कई बार आउट हुआ हूँ, मेरे को खेलनी नहीं भाई वो बॉल छोड़ो। 6 ओवर के बाद 68 रन एक विकेट। हार्दिक पांडे आ चुका है बॉलिंग करवाने। फैफ डुप्लेसी 15 बॉल पे 28 रन, क्या लगता है कौन जीतेगा? अभी तक तो यार आरसीबी के पास ही है मैच बना तो हुआ है। ये बढ़िया बॉल डाल दी, हर बंदे की अलग बात कहानी होती है, सब एक जैसे नहीं होते, ये तो है भाई। कल मैं मेरे फ्रेंड के पास गया, मैंने बोला क्या कर रहा था आरा जीतेगी, वो बोला तू भी तो यही बोल रहा था कि वहां पर वापस नहीं दिखा। यार देखो मेरे को भी यही था कि आर जीतेगी, मगर जो भाई राशिद खान ने आके 10 बॉल पे 20 रन मारे हैं ना लास्ट में, और लास्ट बॉल पे जो चौका मार के एक्शन किया है, मैं हूँ सूर्य कुमार यादव वाला भाई, वो बहुत बहुत सही मूवमेंट था भाई। ये पहली बार सूर्य कुमार यादव ने किया था, उसके बाद तिलक वर्मा ने करा, अभी के आईपीएल में दोबारा यही वाला सीन कि मैं हूँ पिच पे हूँ, और अब राशिद खान। तो भाई मैच तो बहुत तगड़ा हुआ था कल का, एक कल का मैच और एक भाई SRH वर्सेस पंजाब किंग्स, भाई जो मैच थे ना दोनों दोनों मैच बहुत तगड़े हुए हैं। और तुम मुंबई का वो मैच याद होगा राजस्थान रॉयल्स के साथ, एक बॉल पे बाउंड्री चाहिए थी क्वालिफाई होने के लिए, MI को 185 बन गए थे, 15वां ओवर चल रहा था, या तो उस बॉल पे बाउंड्री चाहिए थी वरना MI हो जाती डिस्क्वालीफाई, और वहां पे भाई उसने बाउंड्री मार दी थी बंदे ने। विल जैक्स 4 बॉल पे 5 रन, 71 रन पे एक विकेट। MI बोल रहा हूँ RCB, 111 रन और चाहिए भाई। हार्दिक पांडे ने बढ़िया ओवर डाला है, 5 बॉलों पे 4 रन दिए अभी तक, 7th ओवर चल रहा है, बढ़िया बॉलिंग हार्दिक पांडे के द्वारा। और भाई करियर मोड की भी वीडियो आ चुकी है चैनल पे, तो वो भी जाके देख लेना। फैफ डुप्लेसी 18 बॉल पे 30 रन, लास्ट बॉल 7th ओवर की 4 रन दिया पांड्या ने सिर्फ, बढ़िया बॉलिंग भाई पांड्या। बाकी शॉट अच्छा है, पीछे फील्डर है, ओ हल्का सा बचा वरना यहाँ आउट होता। बढ़िया ओवर है MI के लिए, 5 रन आए इस ओवर से सिर्फ। जसप्रीत बुमराह के 2 ओवर बच रहे हैं। राशिद खान भी लाइक, हाँ ऑडियंस क्या बोल रहे थे, जीटी जीतेगी जब तक हम है पानी कम। अरे यार पता है राशिद खान एक तो ना कई टाइम से बैटिंग की फॉर्म में था नहीं, मतलब 3-4 मैचेस ऐसे गए हैं वो था नहीं फॉर्म में, बट भाई जो कल बंदे ने कराया तो उसके लिए तो अलग ही रिस्पेक्ट रहेगी GT वालों को। शुभमन गिल खुश हो गया था भाई मैच जीत गए, बस वही है IPL भाई कभी भी कुछ भी हो सकता है, और यहाँ चौका मिल जाएगा कोई भी मैच कहीं भी पलट सकता है भाई IPL में, ये चीज तो भाई हमने देखी है। जसप्रीत बुमराह इस बॉल पे भी चौका दे दिया है, और फैफ डुप्लेसी अच्छी इनिंग्स खेलते हुए, फैफ डुप्लेसी 35 रन ऑन 21 बॉल, RCB 77 रन पे एक विकेट,
एट ओवर चल रहा है, जसप्रीत बुमराह ने 25 रन दिए, एक विकेट जरूर लिया अपनी टीम के लिए, 105 रन और चाहिए और यहां सिंगल मिल जाएगा। भाई मेरे को भी यही लगा था कि राशिद खान नहीं खेल पाएगा, मेरा भी यही था कि यार नहीं जीता पाएगा, 18 बॉल पे 48 समथिंग रन चाहिए थे, तो भाई मेरे को था ही नहीं कि जीत जाएगी। बाकी राहुल तेवाटिया बढ़िया खेला, यहाँ एक और भाई क्या लेंथ डाल रहा है बुमराह भाई, T20 वर्ल्ड कप में भी यही लेंथ डालनी है क्या? बाकी करियर मोड पे कंटिन्यू करके थोड़ा सा ये हो जाए कि यार T20 वर्ल्ड कप तक पहुंच जाऊं तो बढ़िया मजे आ जाएंगे, करियर मोड में खेलेंगे कि T20 वर्ल्ड कप। बाकी अच्छा मैच था कल का, कल का मैच देखने में काफी मजा आया था। RCB 82 रन से एक विकेट और भाई 100 रन चाहिए यहां से। विल जैक्स 6 बॉल पे 10 रन, ओके बढ़िया स्विंग, लास्ट बॉल बच रही है 8th ओवर की और भाई बुमराह ने ये ओवर तो सही डाला है, रन जरूर दिए नो, बट लाइन लेंथ अभी और भाई स्विंग तो अच्छी हो रही है, विकेट मिलने चाहिए बुमराह को, यॉर्कर डाल नहीं रहा डोंट नो वाई। विल जैक 7 बॉल 10 रन, यहां सिंगल मिल जाएगा 8 ओवर के बाद 83 रन पे एक विकेट। RCB बढ़िया बैटिंग करते हुए और बढ़िया ओवर यहाँ पे RCB के लिए, पीयूष चावला को लाए थे ये लोग, पीयूष चावला को दोबारा भेज दिया। ओ भाई पानी का ग्लास मत गिराओ यार। बाकी हार्दिक पांड्या पहले ओवर काफी अच्छा डाला था, 5 रन दिए थे पांड्या ने अपने पहले ओवर में। 9th ओवर कंटिन्यू करने आया हार्दिक पांड्या और यहाँ पे पक्का विकेट के लिए तो आया होगा बंदा, विकेट चाहिए भाई बंदे को। फैफ डु प्लेसी 22 बॉल पे 36 रन, मैंने देखा कि GT जीत गई। अब भाई GT है ना, मतलब स्टार्टिंग में चलो ठीक है नहीं खेली उतना सही, बट अब आ जाएगी वो ट्रैक पे, जैसे मुंबई का तो हर बार कर आई है, लगभग 3 मैच हारने के बाद वो आ जाती है ट्रैक पे, 3-4 बार कर चुकी है कारनामे मुंबई। भाई ये तो बहुत वाइड है और यहाँ पे 5 रन पकड़ा दिए हार्दिक पांड्या ने फ्री के, बहुत बढ़िया 5 रन फ्री के मिल चुके हैं, एक वाइड का और एक चौका मिल चुका है 22 का, 23 बॉल पर 36 रन फैफ डु प्लेसी। बाकी भाई ईशान किशन की सेंचुरी खराब करवा दी, ओ ये अच्छी बॉल डाली है। बाकी MI रिव्यू क्यों नहीं लिया, एक मिनट रुको, रिव्यू लेना चाहिए था यहाँ पे तो मेरे ख्याल से बिगाई, हाँ शुभन, अरे बहुत बार थी, चलो ठीक है बढ़िया नहीं ली रिव्यू। फैफ डु प्लेसी 36 रन पे 24 बॉलों पे, ओए भागो मत यार रन आउट हो जाओगे, मेरे को पता है मैं भागता हूँ तो रन आउट हो जाता हूँ, अगर ये भागते ना ये रन आउट नहीं होते मेरे से। वानखेड़े स्टेडियम पब्लिक भरी पड़ी है भाई, पूरा नीला हुआ पड़ा है वानखेड़े, 93 रन चाहिए। फैफ डु प्लेसी 136 25 बॉलों पे, ये अच्छा शॉट है फैफ डु प्लेसी का, यहाँ सिंगल मिलेगा, स्ट्राइक पे आ जाएंगे भाई अपने विल जैक्स। 9th ओवर की लास्ट बॉल, 90 रन बन चुके, 10 के लगभग रन रेट चल रहा है, 90 रन पे एक विकेट, विल जैक्स ऑन द स्ट्राइक 9 बॉल पे 12 रन। हार्दिक पांड्या की ओवर अच्छा गया है, 7 रन आए हैं इस ओवर में भी और यहाँ पे भी एक सिंगल आएगा 9 ओवर के बाद। 91 रन पे एक विकेट, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु। 10th ओवर करवाने कौन आएगा, मेरे ख्याल से पीयूष चावला आ रहे हैं, बाकी वानखेड़े स्टेडियम देख लो गाइज, और आ ही गया भाई पीयूष चावला, लग ही रहा था स्पिनर को बुलाएंगे अब, और भाई बंदों ने बुला लिया है पीयूष चावला और ये बंदा पक्का विकेट लेके जाएगा एक ना एक तो इस ओवर में, नहीं तो भाई अपने पूरे स्पेल में विकेट तो लेके जाना है। यहाँ सिंगल मिलेगा विल जैक्स को, स्ट्राइक पे आ जाएंगे फैफ डु प्लेसी। फैफ की यार 50 कंप्लीट करवानी है, फैफ फॉर्म में नहीं चल रहा है इतने टाइम से, चाहते तो हैं फैफ आ जाए फॉर्म में वापस, RCB के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। बाकी 37 रन, ईशान किशन के पीठ में दर्द है भाई, बैटिंग करके गया बंदा इतनी अच्छी, वो बॉलिंग बॉलिंग भाई पीयूष चावला, एजी तो ज्यादा है भाई, एक्सपीरियंस तो है बंदे पे, वैसे सबसे ज्यादा IPL में छक्के खाए हैं पीयूष चावला ने, और ये बॉल काफी अच्छी डाली थी, ओके हल्का सा बचा वरना ये कैच आउट हो सकता था अगर एज लगता तो। GT तो जीत गई, हाँ यार अब हर कोई, यार मेरे को ये परेशानी मत दो यार, GT जीत गई भाई, वो मैच एक साइड ही था, वो राजस्थान ही जीत रही थी भाई, पता नहीं लास्ट में क्या हुआ, GT जीत गई, बाकी कोई नहीं, इतनी भी खराब नहीं थी प्रेडिक्शन, ज्यादा खराब तरीके से नहीं जीती है यार, बाकी 2 बार तो डाल चुका है पीयूष चावला,
बताओ यार हिमांशु भाई, इतनी खराब प्रेडिक्शन थोड़ी थी। अब वो भाई राहुल टेवाटिया मेरे को थोड़ी पता था इतना अच्छा खेल जाएगा लास्ट में, राशिद खान आ जाएगा। राशिद फॉर्म में था नहीं, कल फॉर्म में आ गया भाई। बताओ जब मैंने बोल दिया कि राजस्थान जीतेगी वो बंदा फॉर्म में आ गया। बट कोई नहीं, मैच अच्छा हुआ, मैच देखने से मतलब यार मजे तो आए हम लोग को। विल जैक्स 11 बॉल पे 14 रन, और पीयूष चावला अच्छी बॉलिंग करवा रहा था बट यार चौका खा लिया है कवर ड्राइव के साथ। आरआर बोली कि जीटी का बुरा हाल कर दूंगी, पर शुभमन बोला कि हम जीती में नहीं है, आरसीबी भी ना। ये मैच तो आरसीबी को ही जिताना है, और आज चाहता भी हूँ कि आरसीबी जीते। मुंबई को थोड़ा होम ग्राउंड में हराए ना यार आरसीबी तो मजा आएगा। 83 रन चाहिए, 99 रन बन चुके हैं। ओ भाई विकेट पीयूष चावला, और मेरे को लग रहा था ये बंदा विकेट ले जाएगा बट इस ओवर में ले जाएगा ये उम्मीद नहीं थी। विल जैक्स आउट भाई, 18 रन बना के बढ़िया बॉल पीयूष चावला की। 138 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा था बंदा। किसको बुलाऊं, रजत पाटीदार, अनुज रावत, ग्लेन मैक्सवेल? मैक्सवेल को बुलाता हूं, अपने पे एक लेफ्टी बुलाना पड़ेगा यार। अनुज रावत को बुला लेता हूँ, अनुज रावत काम आएगा, राइट लेफ्टी का कॉम्बिनेशन हो तो थोड़ा सही आएगा। भाई बढ़िया बॉल पीयूष चावला, और रिप्ले देखना है मेरे को भाई। बहुत अच्छी बॉल डाली पीयूष चावला ने, टाइमिंग थोड़ी खराब हुई, स्लोवर वन थी, टप्पा खाने के बाद और धीरे होगी भाई बॉल, और अच्छी स्पिन देखने को मिली, बढ़िया विकेट यहाँ पे। भाई आपने सही प्रेडिक्शन किया था, पर रियान पैरागो, संजू सैमसन और राशिद खान से ने खेल दिया मेरे को यार। रियान पराग और संजू का तो था ही, इसलिए मैंने ये बोला था कि यार वो जीतेगी अपनी आरआर, किसी का था नहीं था। रियान पराग का मेरे को पूरा कंफर्म था, स्ट्रीम पे जाके देना, मैंने बहुत बोला था कि रियान पराग अच्छा खेलेगा ही, क्योंकि भाई कंटिन्यू परफॉर्मेंस दे रहा है वो। बट मेरे को राशिद खान का ना 1% नहीं था, क्योंकि उसके मैंने लास्ट के T20 मैचेस में देखा था जब इंडिया का टूर हुआ था, इंडिया के साथ मैचेस हुए थे, तो उसकी बैटिंग इतनी अच्छी हो नहीं रही थी पहले। और भाई कल आया बैटिंग करने इतने टाइम बाद, और 200 के स्ट्राइक रेट से रन बना दिए। बट मैच अच्छा था, मजे तो काफी आए कल के मैच में। ल्यूक वुड आ चुका है, ल्यूक वुड के 3 ओवर बच रहे हैं, मैंने बचा के रखे भाई ल्यूक वुड के ओवर। अनुज रावत 2 बॉल पे 3 रन, 102 रन पे 2 विकेट, रॉयल चैलेंजर बैंगलोर, और ये अच्छी बॉल डाली थी बट ये शॉट अच्छा अनुज रावत का। हार्दिक पांड्या है जरूर बॉल के पीछे, रन आउट नहीं होना भाई, शिट यार रन आउट नहीं होना था भाई। अबे भाई साहब मैच पलटते हुए भाई अनुज रावत बहुत जल्दी आउट हुआ। बढ़िया मैंने मैक्सवेल नहीं बुलाया, मैक्सवेल बढ़िया है नहीं बुलाया, वरना वो आउट हो जाता ना तो कोई था नहीं लोअर ऑर्डर में। 79 रन चाहिए, रजत पाटीदार भाई बनवा दो रन। अब यहां से ना थोड़ा सा ल्यूक वुड को पेलना पड़ेगा तभी रन बनने वाले। बढ़िया कमबैक भाई यहाँ पे एमआई के द्वारा, 2 विकेट लिए लगातार पिछले 2 ओवर में। राशिद खान बोला बॉलिंग करूंगा तो प्रॉब्लम, बैटिंग करूं तो प्रॉब्लम, चल शुभमन गाड़ी निकाल। बॉलिंग भी अच्छी करी थी यार कल राशिद ने, बॉलिंग तो अच्छी करी थी, 105 रन पे 3 विकेट, और ल्यूक वुड का बढ़िया ओवर जा रहा है। 4 रन आए इस ओवर में, 1 विकेट मिल चुका है, अनुज रावत हुए थे आउट, रन आउट। 105 रन पे 3 विकेट आरसीबी, ये शॉट अच्छा है, यहाँ 6 रन मिल जाएंगे बैट्समैन को, बढ़िया शॉट, और रजत पाटीदार के लिए 6 रन। ये तो भाई सिर्फ टच कर दिया। विराट कोहली 38 रन, और भाई वो कैच मैं दिखाता हूँ, शायद दिखा सकते हैं ना रिप्ले में अभी तुम लोग। हाँ वो मैं आपको कैच दिखा देता हूँ, वो भी कैच कुछ नहीं था, मगर भाई गेम वाले जो करते हैं ना चीज, बुमराह तू विराट कोहली, ये था भाई विकेट। और भाई ये जो कैच पकड़ा है ना सूर्य कुमार यादव ने, इतना ग्राउंडेड कैच कौन पकड़ता है, ये देखो भाई कितना ग्राउंडेड कैच है, कवर ड्राइव मारते हुए कैच पकड़ लिया बंदे ने। मैथ्यू वेड ने कैच छोड़ दिए। हाँ रजत पाटीदार 2 बॉल पे 7 रन, और यहां शायद चौका आ जाएगा पाटीदार के खाते में, बढ़िया शॉट 11 ओवर के बाद, 115 रन पे 3 विकेट, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर। और यहां मैच अभी दोनों टीम की साइड जा सकता है, अगर विकेट गिरा तो एमआई के पास है मैच। 2 विकेट चाहिए एमआई को मैच अपने पास बनाने के लिए, क्योंकि अगला बैट्समैन है ग्लेन मैक्सवेल, और अभी तो मैच चल ही रहा है जैसे चल रहा है। 39 पे फैफ डू प्लेसी खेल रहा है, 38 बनाए थे विराट कोहली ने। ओ भाई रन आउट का चांस,
भाई रनआउट बहुत दिक्कत देता है गेम में। पीयूष चावला पिछले ओवर में विकेट लिया भाई अनुज रावत का। सॉरी अनुज रावत बोल रहा हूँ, विल जैक्स का विकेट लिया था। मैथ्यू वेड बोला कि शुभमन को नहीं पता कि मैं आरआर की तरफ हूँ। फैफ डू प्लेसी 40 रन बना चुका है यहाँ पे भाई। रजत पाटीदार 3 बॉल पे 11 रन, 116 रन पे 3 विकेट, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर। और ये थोड़ा मैच फिसल रहा था बट यहाँ चौका आ चुका है आरसीबी के खाते में। 120 रन कंप्लीट 3 विकेट के नुकसान पे। और यहाँ पे भाई लियोनल मेसी कहाँ पे अंपायरिंग कर रहा है आके। ये अच्छा शॉट रजत पाटीदार का, गैप देख के खेला और भाई यहाँ पे 4 रन मिल गए रजत पाट। 51 बॉल पे 62 रन चाहिए, 5 रन आ चुके हैं इस ओवर में भी हम पे भाई। नहीं रन नहीं लेने मेरे को, भाग के मेरे को रन आउट नहीं करवाना। हु विल विन आईपीएल या टॉप 4 टीम का ही कह सकता हूँ, वैसे तो मैं बता नहीं सकता। टॉप 4 टीम में मेरी वही रहेंगी भाई, राजस्थान, केकेआर और अपनी एसआरएच और सीएसके। यहाँ चौका मिल जाएगा, बढ़िया चौका। और पीयूष चावला थोड़ा सा टेंशन में भाई, एमआई और सीएसके मैच में क्या होगा भाई, वो तो भाई लेजेंडरी मैच है, उस मैच के लिए तो वेट रहता है भाई पूरे साल। मैच हो कहाँ रहा, हो कहाँ पे रहा है, मुंबई में हो रहा है या चेपोक हो रहा है। 125 रन पे 3 विकेट 12 ओवर के बाद। जीटी आल्सो, जीटी का यार इतनी चांस मेरे को नहीं लग रही, क्योंकि अभी ऐसा लग रहा है कि बॉलिंग वीक है। एक दो बॉलर ही है, राशिद खान एक अच्छी बॉलिंग करवा रहा है, बाकी देखते हैं। मतलब बॉलिंग तो ठीक ठीक है, वीक भी नहीं कह सकते, ठीक है। राजस्थान की बॉलिंग बहुत बेस्ट है भाई अब की बार। कल तो भाई जो हो गया वो हो गया, बट देखते हैं। वैसे तो भाई 2 साल में लगातार भाई क्वालिफाई कराया जीटी ने फाइनल्स में, इस साल भी कर दे कोई बड़ी बात नहीं है हमारे लिए। फैफ डू प्लेसी 31 बॉल पे 40 रन, और यहाँ 6 रन मिल जाएंगे फैफ डू प्लेसी को। भाई शॉर्ट पिच बॉल मत डालो भाई, क्या लगता है कि एसआरएच जाएगी फाइनल्स में, जा सकती है भाई। पैट कमिंस है तो भाई कुछ भी हो सकता है। कमिंस ने भाई ऑस्ट्रेलिया को इस साल में देख लो ना कितना कुछ अचीव करवा दिया, WTC इंडिया के खिलाफ, वर्ल्ड कप इंडिया के खिलाफ, तो भाई क्या ही बोल सकते हैं। और T20 वर्ल्ड कप भी आ रहा है और आधी ऑस्ट्रेलिया की टीम बाहर ही बैठी है, तो देख लेना तुम ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड कप के अंदर। यहाँ एक और चौका आ चुका है, 2 बाउंड्री लगातार। और फैफ डू प्लेसी की 50 कंप्लीट 150 के स्ट्राइक रेट से, 33 बॉल पे बढ़िया बैटिंग करते हुए फैफ डू प्लेसी। 33 बॉल्स 50 रन, और भाई 46 चाहिए यहाँ से। मुंबई की तो बॉलिंग खराब है भाई, अकेला बुमराह है बॉलिंग में। एक और चौका भाई, फील्डिंग तो अच्छी लगा लो, बढ़िया भाई। अब तो मैच बना हुआ है अपने हाथ में। 54 रन 34 बॉल्स पे। ओ ये अच्छी बॉल डाली है ल्यूक वुड, अच्छी खासी स्विंग हुई। 140 रन पे 3 विकेट, और इस ओवर में भी काफी रन आ गए, 15 रन आ चुके हैं इस ओवर में। अगेन बढ़िया बॉल भाई, भाई भाई अब तो बॉलिंग करवा रहा है। चौके खाने के बाद कौन बॉलिंग करवाता है यार अच्छी। बाकी फाइव डू प्लेसी की एक बढ़िया इनिंग्स, 54 रन मारे 36 बॉल पे, एक सिक्स मारा है बस। हार्दिक पांड्या आ गया, पांडे ने बढ़िया ओवर करवाया, 2 ओवर डाले और भाई 12 रन दिए सिर्फ पांडे ने, सॉरी 13 रन। रजत पाटीदार 8 बॉल पे 21 रन, भाई एकदम इम्पैक्टफुल पारी यहाँ पे पाटीदार की। 42 रन चाहिए मैच जीतने के लिए भाई, आउटसाइड द ऑफ स्टंप। मेरे को ना एमआई और सीएसके के मैच में ये लग रहा है कि एमआई जीत जाएगी, क्योंकि सीएसके के पास बॉलिंग उतनी अच्छी नहीं है और एमआई के पास बैटिंग बहुत अच्छी है, तो इसलिए मेरे को लग रहा है कि एमआई जीत जाएगी वो मैच। भाई रनआउट मत होना, चलो ठीक है बच गए रनआउट से। क्या विराट आरसीबी का कैप्टन बनेगा, अगर उसने कैप्टनसी खुद छोड़ी थी तो भाई मुश्किल है, नहीं बनेगा। बाकी अगर अगले साल डुप्लेसी नहीं खेला तो बनेगा जरूर, क्योंकि और कोई है ही नहीं। 142 रन पे 3 विकेट, और अगर मेगा ऑक्शन होता है तो भाई देखना पड़ेगा, रोहित शर्मा आ जाए अगर आरसीबी में बाय चांस, क्योंकि बात तो हो रही है रोहित छोड़ेगा एमआई। भाई हार्दिक पांड्या, बाकी चलो वाइड ही डाली है ये अच्छी बात है। अगर एमआई छोड़ी रोहित ने और वो अगर कहीं और गया तो वो आ सकता है भाई एमआई में, या वो एमआई बोल रहा हूँ आरसीबी में या सीएसके में, इन दोनों में ही आएगा। किसको याद है रोहित शर्मा खेलता था डेक्कन चार्जर में, जिसने भाई स्टार्टिंग में आईपीएल देखा होगा 2008-2009 में, तो भाई तुम्हें पता होगा डेक्कन चार्जर्स बहुत अच्छी टीम थी, प्लेयर काफी अच्छे थे। नहीं करेंगे ये रिलीज, देखते हैं यार, मेरे ख्याल से तो कर देंगे।
पांड्या अच्छी बॉलिंग करवा रहा है भाई। इतनी अच्छी अच्छी टीम थी यार पहले, कोची थी अपनी पुणे, पुणे वॉरियर्स इंडिया थी, धोनी की जब सीएसके गई थी तो आरपीएस आई थी, राइजिंग पुणे सुपरस्टार्स ऐसे कुछ था ना। यहाँ दो रन मिलेंगे। डुप्लेसी इस साल अच्छा नहीं खेला पर लास्ट दो साल भूल नहीं सकते उसका, ये चीज है। 145/3 और ये ओवर भी अच्छा गया है, 5 रन आया भाई। पांड्या ने बहुत सही बॉलिंग करवाई है, 37 बॉल पे 37 चाहिए। बढ़िया ओवर, 14 ओवर के बाद 145 रन पे 3 विकेट, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर। पीयूष चावला भाई इसका तो ओवर बहुत महंगा गया है, लास्ट ओवर हो रहा है गुजरात लायंस। हाँ गुजरात लायंस भी थी, सही का रहना था ना गुजरात लायंस में भाई। पीयूष चावला बॉलिंग भाई, पिछली बार भी ऐसे ही विकेट लिया और इस बार रजत पाटीदार को आउट करते हुए पीयूष चावला सीधा मिडल स्टंप पे जाके लगी, रजत पाटीदार आउट। भाई आपका फर्स्ट आईपीएल आरसीबी और सीएसके के मैच में क्या रिएक्शन था? मेरे को पता था मैच तगड़े होने वाले अब की बार, क्योंकि सारे प्लेयर फॉर्म में थे और भाई रिएक्शन ठीक ठीक था, क्योंकि पता रहता है सीएसके का मैच है तो भाई सीएसके को ही करना अपने को, कि सीएसके को चलो करते हैं। ग्लेन मैक्सवेल आएगा बैटिंग करने। हेलो करण भाई, क्रिकेट करण भाई क्या हाल है तुम्हारे? राइजिंग पुणे सुपर जायंट सीएसके का रिप्लेसमेंट था 2016-17 में, जब सीएसके फंस गई थी फिक्सिंग के अंदर और वहां पे सीएसके का बहुत नाम खराब हुआ था, बट सीएसके वापस आई और सीएसके ने ऐसी तैसी कर दी सबकी, यही बात थी ना। 146 रन 4 विकेट और यहां पे पीयूष चावला ने अच्छा रिडेम्पशन करा है। ओके भाई बॉलिंग पीयूष चावला भाई, बढ़िया बॉलिंग करा रहा है बंदा, बेशक 32 रन दिए बट भाई 2 बहुत अच्छे विकेट लिए। विल जैक्स को आउट करा और इससे पहले भाई अभी पिछली बॉल पे रजत पाटीदार और भाई अब ऐसा लग रहा है कि डुप्लेसी को भी ले जाएगा। हाँ ये तो अगर धोनी नहीं होता ना सीएसके डूब जाती, सही बात है। फैब डुप्लेसी 56 रन 42 बॉलों पे, बट भाई ईशान किशन की सारी मेहनत खराब गई आज के मैच में, जो भाई सेंचुरी मारी है बंदे ने। अगर ये मैच हम जीत गए, बाकी पीयूष चावला का ये ओवर काफी अच्छा गया, 1 रन आया और 1 विकेट लिया है बंदे ने भाई। बॉलिंग पीयूष चावला मान गए भाई, 15 ओवर के बाद 146 रन पे 4 विकेट। आप किसको सपोर्ट करते हो? हर्ष भाई सीएसके को करता हूँ यार मैं स्टार्टिंग से ही। ल्यूक वुड का लास्ट ओवर है, 36 रन ल्यूक वुड ने भी दिए हैं। चौथा ओवर चल रहा है ल्यूक वुड का, ग्लेन मैक्सवेल स्ट्राइक पे, मैक्सी ऑन द स्ट्राइक और यहाँ पे सिंगल मिलेगा, सिंगल ही लो यार, 2 लेके मेरे को ना रन आउट नहीं करवाना भाई। MI किसकी वजह से हार रही है? MI यार किसी की वजह से नहीं हार रही, सब ठीक खेल रहे हैं। अब लोग कहते हैं कि पांड्या की कैप्टनसी ऐसी है वैसी है, भाई उसकी कैप्टनसी ठीक है, मतलब इतनी भी खराब नहीं है भाई। GT को भी तो 2 बार फाइनल में पहुंचाया है बंदे ने, अगर कैप्टनसी इतनी खराब होती तो भाई GT 2 बार फाइनल नहीं पहुंचती सबसे पहली बात। तो भाई पूरा ब्लेम जाता है तो यार देखो पूरी टीम पे ही जाता है, अकेले पे ब्लेम करने का कोई मतलब है नहीं अगर तुम रियल क्रिकेट फैन हो तो, अकेले बंदे पे क्या करोगे यार तुम पूरा। अब यही देख लो वर्ल्ड कप फाइनल में तुम कैसे कह दोगे यार कि किसी एक बंदे की गलती हो कि इंडिया फाइनल हार गई, पूरी टीम की गलती होती है ना, तो वो चीज़ है यार। सपोर्ट करो सबको, करो हेट करो तो सबको करो, अकेला एक बंदा यार किसी चीज़ के लिए वो नहीं होता। और MI का यार बहुत टाइम से रहा है, देखो 3-4 सीजन में MI स्टार्टिंग के 3 मैच हारते हैं मगर वो प्लेऑफ में क्वालिफाई हो जाते हैं, तुम लोग कई बार नोटिस करना भाई। सब बोलते हैं कि हार्दिक पांड्या में एटीट्यूड है, एटीट्यूड तो है यार, देखो हर बंदा भी एक जैसा नहीं होता, बंदे में एटीट्यूड है। और भाई अगर तुम उस लेवल पे होते या मैं होता तो क्या पता भाई हमारे अंदर भी होता एटीट्यूड, सच बात है भाई, हो सकता है। अब तुम पे इतना पैसा आ रहा है तो हो सकता है, बाकी भाई भगवान जाने, हर बंदे की अपनी अपनी वो है थिंकिंग, हाँ उसकी थोड़ी अलग है। वो देखो वो रहता फ्रेंकली है, जब वो धोनी के साथ रहा था तो धोनी के साथ भी वो हंसी मजाक कंधे पे हाथ रखना वो चीज, तो लोगों को ये लगता है भाई सीनियर लोगों के साथ ऐसे रह रहा है, बट उसमें है वो चीज़ तो अब उसका हम कुछ कह नहीं सकते। बाकी बंदा अच्छा खेलता है यार, ह्यूमन बींग कैसा भी हो बट भाई खेलता तगड़ा है। यहाँ चौका मिल चुका है गैरल्ट कोडजी, अबे यार ये कौन आ जा रहा है बीच में बार बार। 156 रन पे 4 विकेट और 26 रन चाहिए। फैफ डुप्लेसी की एक भाई कैप्टन वाली इनिंग, 63 रन, बेहतरीन इनिंग फैफ डुप्लेसी की। यहाँ 2 रन मिल सकते हैं, नहीं मिलेंगे, 1 ही रन मिलेगा। और कोडजी का एक ओवर और बच रहा है अभी,
खैर अब तो मैच जीता जिताया पड़ा है। ग्लेन मैक्सवेल है स्ट्राइक पे, 2 विकेट तो जाने नहीं वाले लगातार, इतनी जल्दी लग तो नहीं रहा है। वैसे ग्लेन मैक्सवेल 4 बॉल पे 4 रन, ये शॉट अच्छा है और यहाँ पे भी एक ही रन आएगा। 158 for 4 रॉयल चैलेंजर बेंगलोर। भाई धोनी की शॉट्स वायरल हुई थी जिसमें वो स्मोकिंग करता करता दिख रहा था। हाँ देखी थी मैंने वो, तब देखो बंदों ने ना उसमें भी हेट दे दिया कि भाई तू स्मोकिंग कर रहा है, तू हुक्का पी रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। भाई क्या चाहते हो यार तुम बंदे से, इंजॉय भी ना करें। और इतने साल में उसकी पहली वीडियो आई है ऐसी, कितने साल से देख रहे हैं हम धोनी को, 2007 से 2004 से देख रहे हैं, जो प्रॉपर क्रिकेट देखता है। मैंने 2007 में स्टार्ट करा था देखना, तो 2007 से देख रहे हैं, अभी तक तो कोई वैसी आई नहीं थी। और गुस्से वाले मूवमेंट एक बार हमने देखा बांग्लादेश के साथ जब मैच था, मुस्तफिजुर रहमान को धक्का मार दिया था वो मैच। एक बार जब CSK के साथ एम्पायर ने नो बॉल नहीं दी थी और वो गुस्सा आया था मैच के अंदर, एक वो मूवमेंट। तो बहुत कम मूवमेंट होते हैं। अब तो यार प्रोफेशनल लाइफ भी उसकी ख़त्म ही हो जाएगी एक तरीके से, करने दो मज़े, मज़े कर रहा है तो देश के लिए तो भाई बंदे ने कुछ करा ही है। और स्मोकिंग यार देखो मोस्टली हर कोई करता ही है। अब तुम प्रवीण कुमार एक बॉलर था इंडिया की टीम में, किसी को याद हो ना हो, 2-3 बंदे होंगे उनको याद होगा। भाई वो बंदा इतनी अच्छी स्विंग बॉल डालता था, जैसे भुवनेश्वर कुमार था ना वैसी। भाई उसकी स्पेस नहीं थी मगर उसकी स्विंग बहुत अच्छी थी, आउट स्विंग भी डाल सकता था, इन स्विंग भी डाल सकता था। बट उसका करियर इसलिए ख़राब कर दिया लोगों ने, यूँ बोल दिया दारू पीता है, दारू पीता है, मैच से ड्रॉप कर दिया बिना कुछ बताए। और भाई वो अगर वो बॉलर आज भी खेल रहा होता ना, वो इंडिया का बेस्ट बॉलर बन सकता था। एक भाई अपना प्रवीण कुमार हो गया, एक श्रीशांत हो गया, श्रीशांत जैसी बॉलिंग नहीं थी भाई, पेस बहुत अच्छा था श्रीशांत के पास, वो फिक्सिंग में फंस गया। और ये बॉल अच्छी डाल दिया पांड्या ने। हाँ ये तो है, मिचेल स्टार्क को गलत ले लिया, बहुत गंदा भाई, बहुत गंदा उसका तो भाई, बहुत अनएक्सपेक्टेड हुआ। अब ये था कि 2-3 मैच नहीं खेलेगा तो भाई एक मैच में तो विकेट लेगा, मगर भाई बंदे ने जो रन पिटवाए हैं 168 for 4 RCB। मगर तुम देखना भाई वही बंदा ना वर्ल्ड कप के अंदर, तुम देखना अगर वो स्कोर में रहा तो बहुत तगड़ा परफॉर्म करेगा। ग्लेन मैक्सवेल 8 बॉल पे 9 रन, 14 रन चाहिए रॉयल चैलेंजर बेंगलोर को ये मैच जीतने के लिए 15 बॉलों पे। ये शॉट अच्छा है और यहाँ पे 6 रन मिल जाएंगे, 174 for 4 रॉयल चैलेंजर बेंगलोर। बढ़िया बैटिंग करते हुए आज, और आज तो भाई ये मैच पूरा ग्लेन वो फेफ डू प्लेसी और भाई ईशान किशन के लिए रहा है। एक मिनट रुको पढ़ता हूँ क्या लिखा तुमने। भाई मयंक यादव भी लाइक पैसे से नहीं गेम प्ले होना चाहिए। हाँ भाई मयंक यादव ने तो भाई हिला दिया सबको, 156 किलोमीटर। लॉर्ड टेम्पा बब्बू ने अराइव्ड हो भाई, बब्बू मा आ गया, शिट भाई साहब उसके ऊपर बहुत मीम बने यार। 178 पे 4 विकेट रॉयल चैलेंजर बेंगलोर। बब्बू मा का वो देखा है रनआउट, भाई रनआउट बहुत तगड़ा किया था उसने, ऑस्ट्रेलिया के साथ था ना शायद मैच। 4 रन चाहिए मैच जीतने के लिए और यहां सिंगल मिलेगा बबूमा, लॉर्ड बबूमा। 3 रन चाहिए भाई, ग्लेन मैक्सवेल ऑन द स्ट्राइक, 11 बॉल पर 19 रन। मैक्सवेल अच्छी पारी खेली, ओरे ओरे। और भाई यहां विकेट, जल्दबाजी में विकेट दे दे बैठे भाई, रन आउट हो गया एक और। ग्लेन मैक्सवेल 19 रन बना के आउट, निहाल वदेरा ने रन आउट करा भाई। दिनेश कार्तिक द फिनिशर आ चुके हैं मैच फिनिश करने, 3 रन चाहिए 10 बॉलों पे। अभी स्ट्राइक पे फेफ डू प्लेसी है भाई, टेंगा टेंगा इंडिया आ रहा है, सब अपना गुस्सा निकाल लेना। गैरल्ट कोडजी 179 for 5 रॉयल चैलेंजर बेंगलोर, 3 रन चाहिए, फेफ डू प्लेसी ऑन द स्ट्राइक। गैरल्ट कोडजी का लास्ट ओवर भाई, 41 रन दिया कोडजी ने, यहाँ सिंगल मिलेगा। स्ट्राइक पर रहेगा भाई दिनेश कार्तिक फिनिशर, RCB के लिए बेस्ट फिनिशर तो भाई अभी तक दिनेश कार्तिक ही रहा है, कुछ भी कहो। वैसे यार लास्ट लास्ट है इस बार दिनेश कार्तिक का भी IPL, तो देखते हैं। लो भाई फिनिशर फिनिशेस ऑफ इन स्टाइल, 184 पे 5 विकेट। एक सुपर ओवर और करवा लूँ क्या इनका, बाकी मजे आए। 1.5 ओवर पहले ही मैच जीत चुके हैं, 5 विकेट से मैच जीती रॉयल चैलेंजर बेंगलोर। फैफ डू प्लेसी 72 रन 55 बॉल पे, ईशान किशन 64 बॉल पे 103। स्किबिडी स्किबिडी
हार्दिक पांड्या 26 बॉल पे 40 मारे थे भाई पांड्या ने, विराट कोहली 18 बॉल पे 34 रन, 181 बनाए थे, 5 विकेट एमआई और 184 5 विकेट आरसीबी। भाई सबसे ज्यादा रन किसने दिया आज बॉलिंग में? हमारी बॉलिंग ओके भाई मोहम्मद सिराज 43 रन दिए हैं बंदे ने आज, और विकेट एक भी नहीं लिया। एमआई में सबसे ज्यादा रन किसने दिया? गैरल्ट कोर्जी होगा 46, और एक बॉल और बच रही थी अभी तो स्पेल की, तो भाई ये 50 कंप्लीट करवा ही लेता अपनी। भाई कभी लगता है कि हार्दिक पांड्या को हेट नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए यार, मैं तो कहता हूँ मत ही करो हेट। अगर वो बंदा वर्ल्ड कप में अच्छा खेलेगा तो तुम क्या ही कह लोगे यार, अपनी शक्ल देखने से भी शर्माओगे कि हमने एक बार उसको इतनी हेट दी। बाकी एक सुपर ओवर करवाना चाहिए क्या? चलो एक सुपर ओवर और करवा देते, और मैं किसी की तरफ से नहीं खेलूंगा, पूरा मैच होगा एआई का, पूरा एआई मैच, प्रॉपर एआई वाला मैच होगा, सुपर वन सुपर ओवर मैच। ड्रेस चेंज करते हैं, अरे आरसीबी की पुरानी वाली है यार, 2018 वाली। चलो भाई मैं किसी की तरफ से नहीं खेल रहा हूं, सुपर ओवर मैच होने वाला है, स्टार्ट करते हैं इस मैच को और देखते भाई ये वाला मैच कौन जीतता है, प्रॉपर एआई होने वाला है ये मैच, तो देखने में मजा आएगा, देखते हैं टॉस कौन जीतता है, प्रॉपर एकदम एआई मैच, एक ओवर का मैच, और यहां पता चल जाएगा आज कौन जीतने वाला है, क्योंकि अपन खेलते तो हमें पता होता है ना कितने रन हम बना लेंगे, इतने बना लिए भाई अफगानिस्तान वैसे इंडिया सुपर ओवर याद है क्या भाई, बहुत तगड़ा था वो तो, बहुत साल बाद देखने को मिला था, एक तो सुपर ओवर तरस रहा था भाई मैं तो, सुपर ओवर दिख जाए वो देख के मजा आया था। बाकी भाई रोहित शर्मा सुपर ओवर में भाई, रीस टॉपली सामने, पहली बॉल सुपर ओवर की, रोहित शर्मा स्ट्राइक पे, शॉर्ट पिच बॉल और भाई ये वाइड डाल दिया रीस टॉपली ने, हाँ डबल सुपर ओवर था याद है, लो भाई पहली बॉल ही वाइड, और ब्लू बॉल क्रिकेट होने वाला है, ये ब्लू बॉल है सुपर ओवर की भाई साहब, रोहित शर्मा एक विकेट गिरा तो भी मैच खत्म, एक ओवर हुआ तो भी, ओ बॉलिंग, क्या लगता है यार कौन जीत रहा है ये मैच? पहली बॉल पे एक रन मान लो, पांच बॉलें बच रही है, रोहित शर्मा है स्ट्राइक पे, और भाई स्ट्राइक पे खड़ा भी कौन है रोहित शर्मा, दिक्कत ये है देखने वाली। 6 का रन रेट रोहित शर्मा स्ट्राइक पर, मुंबई से तो भाई अपने जसप्रीत बुमराह ही आएंगे। अबे यार लीव क्यों कर रहा है रोहित भाई, रोहित शर्मा सुपर ओवर में बॉल को लीव कर रहा है, दो बॉल जीरो रन रोहित शर्मा, ईशान किशन और रोहित शर्मा, रीस टोपली दो बॉल डाल चुका है, और भाई ये क्या खेल रहा है, रोहित शर्मा बोला कि रिंकू का उतार देता हूं मेरे से भागा नहीं जाएगा ईशान किशन भाई, रोहित शर्मा ने तो हंग दिया यार सुपर ओवर में, मैं तो सोचा मजा आएगा, बाकी देखते हैं ईशान किशन सेंचुरी मार के आया है अभी, ये तो कमाल कर दिया भाई रोहित शर्मा ने, तीन बॉल दो रन भाई क्या करा है। लो भाई ये सुपर ओवर नहीं देखना था हमको भैया, एमआई ने हंग दिया भाई सुपर ओवर में शिट यार, एमआई ने बहुत गंदा आगाया इस ओवर में, तीन का रन रेट जा रहा, दो बॉले बच रहे, ईशान किशन दो छक्के मार दे भाई, तेरे से अच्छा तो मैं ही खेल लेता, दोनों टीम से मैं बॉलिंग ही करा लेता एटलीस्ट। वाओ सुपर ओवर चल रहा है, ये बॉल को लीव कर रहे हैं, व्हाट द हेल भाई, रीस टॉपली मान गए भाई तेरी बॉलिंग आज हम, लो भाई सुपर ओवर में दो रन आए हैं मुंबई इंडियंस सुपर ओवर में दो रन, अबे 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 ये क्या, ओए मैच ही अलग लग गया बे, हो भाई साहब ये एग्जिट कर रहा हूं मैं, वाह मैं तभी सोचू सुपर ओवर में ऐसा क्यों खेल रहे हैं, बट यार सुपर ओवर लगाऊं कैसे, साले पहले तो यही होता था सुपर ओवर, ओके वाह यार मैं सोचा सुपर ओवर लगाए, एक ओवर का मैच वही था यार और कोई मैच ही नहीं है, फिर 5-5 ओवर के मैच है, साला हद कर दिया यार इन्होंने तो, क्या करूं 5 ओवर का मैच लगा दूं जल्दी बताओ, द 100 भी लगा सकता, 100 तो मजा नहीं आएगा, 5 ओवर का मैच जल्दी कमेंट सेक्शन में बताओ दोनों, भाई बोला कि मेरा सुपर ओवर पावर T20 में नहीं चलता भाई, मेरे को भाई गेम वालों ने सिस्टम चेंज कर दिया, वो पहले सुपर ओवर ही होता था, अब वापस ने ये कर दे, एक विकेट रहेगा, जल्दी बताओ क्या करूं, टेस्ट नहीं लगा रहा पागल है क्या, टेस्ट में दिमाग खराब हो जाएगा, जल्दी बता 5 ओवर का लगाऊं 10 ओवर का लगाऊं, मैं खिलाऊंगा एआई से ही, एआई खेलेगा,
5 ओवर, चलो ठीक है 5 ओवर लगाते हैं, 3 बजे का ही मैच रख देते हैं, सिडनी में कहाँ करा रहा हूँ, मानखेड़े में ही चलने दो मैच। अरे यार ये इनकी ना बार बार ड्रेस चेंज करनी पड़ती है, तुम नई वाली पहनो यार, पुरानी वाली मत पहनो। 5 ओवर का मैच है वानखेड़े में भाई। मैं सोचा भाई ये क्या कर रहे हैं, सुपर ओवर में 2 रन मारे हैं, बताओ इन लोगों ने। अब मैं तो भाई नाक कटवा देती अभी अपनी, 2 रन आ रहे हैं सुपर ओवर के अंदर, यकीन ही नहीं हो रहा था भाई। हार्दिक पांड्या को देखो, मुंबई इंडियंस टॉस जीत चुकी है और एमआई पहले कर रही है बॉलिंग। ओके नाइस, फैफ डु प्लेसी और अनुज रावत बैटिंग करने। वाओ अनुज रावत आया बैटिंग करने फैफ डु प्लेसी के साथ, पहली बॉल ऑफ द इनिंग्स। 5 ओवर का मैच होने वाला है, प्रॉपर एआई मैच, जसप्रीत बुमराह और शुरुआत हुई है डॉट बॉल के साथ। भाई आरसीबी बोली कि मैं एमआई से फिर से आ गई। फैफ डु प्लेसी क्या लगता है ये वाला मैच कौन जीतेगा 5-5 ओवर का? मेरे को लगता है कि आरसीबी जीत जाएगी। शॉर्ट पिच बॉल है यहाँ पे फैफ डु प्लेसी का, बढ़िया शॉट और 4 रन मिल जाएंगे फैफ डु प्लेसी को। पहला चौका आ चुका है आरसीबी के लिए, मगर भाई ओपनिंग करने विराट नहीं आया है, ओपनिंग करने आया है अनुज रावत फैफ डु प्लेसी के साथ, थोड़ा अनएक्सपेक्टेड। ओके समझ गया भाई, विराट कोहली आज लाइनअप में है ही नहीं, इस वाली लाइनअप में विराट नहीं है, तभी आता। और यहाँ पे एक और एज और यहाँ 6 रन फैफ डु प्लेसी, बढ़िया बैटिंग। मैच 5 ओवर का ही होने वाला है बट यहाँ पे भाई मजा आने वाला है इस मैच को देखने में। विराट बोला आज मैं छुट्टी पर है, छुट्टी पे ही है भाई, वो इस मैच में ही नहीं खेल रहा है विराट। 3 बॉल पे 10 रन फैफ डु प्लेसी, बढ़िया बैटिंग। अगेन शॉर्ट पिच बॉल और ये वाइड हो सकती है भाई, बॉल डालिए ये तो, चलो ठीक है अच्छी बॉल। आरसीबी 10 रन 0 विकेट, फैफ डु प्लेसी 4 बॉल पे 10 रन, 5वीं बॉल पहले ओवर की, जसप्रीत बुमराह 10 रन दिया है पहले ओवर में, जो कि बहुत कम देखने को मिलता है कि पहले ओवर में 10 रन आ रहे हैं बुमराह के। बाकी एज और यहाँ पहला विकेट मिल जाएगा बुमराह को, बढ़िया विकेट और यहाँ पे फैफ डु प्लेसी आउट। भाई विकेट ले गया बुमराह, कह रहा भाई 10 रन तो तूने मार दिया अब तो आ जाओ। भाई रोहित शर्मा का फ्लाइंग कैच, वाओ फैफ डु प्लेसी आउट। ग्लेन मैक्सवेल 1 डाउन आया बैटिंग करने, विराट फुल छुट्टी पे है भाई आज। ग्लेन मैक्सवेल स्ट्राइक पे, लास्ट बॉल पहले ओवर की, यॉर्कर डाली है बुमराह ने और यॉर्कर पे अच्छा शॉट, 1 रन मिलेगा, 2 मिल जाएंगे, चलो एक ही लिया है, मैक्सवेल भागा ही नहीं। पहले ओवर से आए 11 रन, जसप्रीत बुमराह बोला कि 5 ओवर का मैं ही किंग हूँ, 11 रन पे 1 विकेट। ल्यूक वुड आया सेकंड ओवर डालने, ग्लेन मैक्सवेल और भाई अनुज रावत, अब यही 2 हैं जिनको कुछ करना पड़ेगा। 5 ओवर का मैच होने वाला है और यहाँ पे एज, ल्यूक वुड पहली बॉल पे विकेट, पहली बॉल पे विकेट लिया ल्यूक वुड ने, ग्लेन मैक्सवेल आउट। भाई ल्यूक वुड बढ़िया बॉलिंग यार, पहली बॉल पे विकेट, वो भी बहुत बड़े प्लेयर का। मैक्सवेल एज लगा और यहाँ पे मैक्सवेल जा चुका है पवेलियन में, विल जैक्स आया बैटिंग करने। भाई 5 ओवर का मैच, अब तो मेरे को ये लग रहा है एमआई जीत जाएगी ये मैच, बढ़िया भाई यहाँ पे बॉलिंग एमआई की तरफ से, शॉर्ट पिच बॉल रखी है और यहाँ चौका मिल जाएगा विल जैक्स को, बढ़िया 15 रन पे 2 विकेट आरसीबी। विल जैक्स पहली बॉल पे चौका जरूर मारा है, ल्यूक वुड ने बढ़िया विकेट लिया और यहाँ पे बहुत बड़ी वाइड डाल दी ल्यूक वुड ने, विकेट लेने के बाद इतना खुश हो जाता है बंदा, लाइन लेंथ बदल दी, पहला चौका पड़ गया फिर वाइड डाल दी। अनुज रावत और विल जैक्स, अब क्या लगता है यार, अब तो ये दोनों ही है, ये शॉट अच्छा है और एज लग के फील्डर के पास। भाई मैक्सवेल ने ओडीआई में अफगानिस्तान के सामने डबल सेंचुरी, याद है भाई वो डबल सेंचुरी मेरे को याद नहीं करनी, क्योंकि अगर वहां पे मैक्सवेल नहीं होता तो फाइनल्स में अफगानिस्तान होती इंडिया के साथ, तो मेरे को याद मत दिलाओ, तभी तो यकीन नहीं होता भाई ऑस्ट्रेलिया के प्लेयरों पे। यहाँ चौका मिल जाएगा विल जैक्स को, बढ़िया चौका, 20 रन पे 2 विकेट रॉयल चैलेंजर बेंगलोर। साला एक पैर पे खड़े खड़े डबल सेंचुरी मार गया था बंदा, लास्ट बॉल पे छक्का मार दिया। हाँ रुलाना नहीं है भाई, एक और चौका विल जैक्स, भाई बढ़िया फॉर्म में, ये ओवर तो बढ़िया गया भाई विल जैक्स, 3 चौके लगातार, मतलब 3 चौके मारे जरूर, 13 रन आ चुके हैं इस ओवर में, 1 विकेट भी आया था लास्ट बॉल सेकंड ओवर की।
विल जैक्स अच्छी बैटिंग करी है और शायद एक और चौका। भाई चौका जा चुका है एक और। भाई विल जैक्स इन द फॉर्म, अनुज रावत के सामने गैरल्ट कोडजी, 3 ओवर बचे हैं इस मैच के, इस इनिंग्स के 28 रन पे 2 विकेट। अनुज रावत पहली बॉल फेस करेंगे और पहली बॉल ही अच्छी डाली है। विल जैक्स बोला कि यहाँ पर इज्जत बचा लेता हूँ। हाँ इज्जत तो बचानी पड़ेगी, 5 ओवर का मैच है, AI खेल रहा है तो मजे तो आएंगे। पिछला मैच तो खैर जीत गई हमारी RCB। अनुज रावत पहली बॉल डॉट बॉल खेली है, यॉर्कर डाली है कोडजी ने और ये काफी अच्छी बॉल डाली। गैरल्ट कोडजी बढ़िया बॉलिंग, अनुज रावत को मुच्छड़ बना दिया है गेम में। वाओ 28 रन पे 2 विकेट, अनुज रावत 2 बॉल डॉट बॉल खेली है। तीसरी बॉल इस ओवर की, ये शॉट अच्छा है, यहाँ सिंगल मिलेगा, स्ट्राइक पे आ जाएगा विल जैक्स। 5 बॉल पे 16 रन बनाए विल जैक्स ने और पिछला, और यहाँ पे भाई फ्री का 4 रन। वाओ फील्डिंग भाई RCB, सॉरी मुंबई इंडियंस फ्री का 4 रन दिए। और भाई जो स्ट्रीम पे नया है वो प्लीज स्ट्रीम को कर देना लाइक, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर देना और चैनल कर देना सब्सक्राइब। विल जैक्स ऑन द स्ट्राइक और यहाँ पे डॉट बॉल गई है। हिमाचल प्रदेश से हो तुम भाई? ओके भाई मैं आया हूँ हिमाचल कई बार घूमने, अच्छी जगह है। 33 रन पे 2 विकेट RCB। और भाई AI मैच चल रहा है तो उस चीज का ये मत सोचना कि मैं बैटिंग कर रहा हूँ या बॉलिंग कर रहा हूँ, प्रॉपर AI है। विल जैक्स अच्छी बैटिंग तो कर रहा है, बाकी देखते हैं कितने रन बना पाती है RCB की टीम। और भाई वानखेड़े देख लो एक बार ऊपर से, वानखेड़े स्टेडियम लगता तो बहुत प्यारा है यार। विल जैक्स 7 बॉल पे 16 रन, लास्ट बॉल 3 ओवर की, 5 रन आए हैं इस ओवर में बस, वो भी ओवर थ्रो की वजह से। बहुत बढ़िया ओवर गैरल्ट कोडजी का, 3 ओवर के बाद 33 रन पे 2 विकेट। चौथा ओवर डालने आया भाई अपने पीयूष चावला और एक ओवर बच जाएगा इसके बाद। RCB के पास यही मौका है बड़ा ओवर बनाने के लिए, बाकी यहाँ सिंगल मिलेगा, सिंगल भी नहीं लिया, शिट मेरे को लगा ले लिया होगा। बाकी अनुज रावत 4 बॉल पे 5 रन, 33 रन पे 2 विकेट है भाई। भाई कोलकाता कैसे प्लेस है, मेरे पेरेंट्स जा रहे हैं भाई कोलकाता का, ऐसे इतना आइडिया है नहीं क्योंकि मैं कभी गया नहीं हूँ। बाकी लोग तो अच्छे हैं भाई, देखो बंगाली फ्रेंड्स हैं मेरे 2-3 तो काफ़ी अच्छे, हॉस्पिटैलिटी अच्छी है उन लोगों की, तो वैसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। विल जैक्स 8 बॉल पे 16 रन, विल जैक्स बड़ा ओवर बना दे भाई इसको। भाई बढ़िया चौका ले लिया है विल जैक्स ने, अब भाई इससे ही उम्मीद है। अब 38 रन पे 2 विकेट, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर। चौथे ओवर की 3 बॉल बच रही है, 5 रन आए हैं इस ओवर में और यहाँ पे डॉट बॉल जाएगी। पीयूष चावला ने पिछले मैच में भाई विकेट अच्छे लिए थे बट वहां पे भाई RCB की बैटिंग बहुत कम आई और वो मैच जीत गई थी RCB। चौथे ओवर की 5वीं बॉल विल जैक्स 10 बॉल पे 20 रन बनाए हैं अच्छा स्ट्राइक रेट के साथ और यहाँ एक और चौका मिल जाएगा विल जैक्स को। बढ़िया बैटिंग करते हुए विल जैक्स, और भाई अगर आज ये प्लेयर नहीं खेला RCB की तरफ से तो भाई बहुत गुस्सा आने वाला है मेरे को अगर RCB ने विल जैक्स को नहीं खिलाया आज। 11 बॉल पे 24 रन विल जैक्स, बढ़िया बैटिंग, बेहतरीन बैटिंग करते हुए 42 रन 2 विकेट, एक ओवर बच रहा है इसके बाद और यहाँ विकेट पीयूष चावला कम बैक कराते हुए अपनी टीम को और विल जैक्स का विकेट लिया, बहुत शानदार बॉल और यहाँ आउट हो चुके हैं विल जैक्स 24 रन बना के। बट भाई बंदा अपना काम कर गया है। कैमरन ग्रीन आया और हार्दिक पांड्या लास्ट ओवर डालने आया, बाकी मेरे को रिप्ले देखना है। पीयूष चावला अच्छी बॉलिंग कराई, ओवर बेशक पिटवाया बट भाई यहाँ पे आके विकेट लिया पीयूष चावला ने और काफी अंदर आई बॉल भाई, डाली 6वें-7वें स्टंप पे थी और आई भाई पहले स्टंप पे आके लगी, नाइस बॉलिंग। और ईशान किशन की भाई छाती चीर के निकल गई बॉल, वाओ ये देखो पीयूष चावला भी लाइक, अरे मयंक यादव का पाउडर ले लिया था हार्दिक पांड्या। लास्ट ओवर है इनिंग्स का और स्टार्टिंग हुई है विकेट के साथ, अनुज रावत को आउट करा हार्दिक पांड्या, बढ़िया कमबैक अगेन। मुंबई इंडियंस बॉलिंग कमाल कर दी भाई इस वाले मैच में तो मुंबई ने, पिछले मैच में तो काफी भाई रन पिटवाए MI ने बट यहां विकेट लिया हार्दिक पांड्या और ईशान किशन का बेहतरीन कैच, व्हाट अ कैच भाई। रीस टोपली आया बैटिंग, टोपली फोर्थ डाउन आ रहा है बैटिंग करने, ओ भाई ये क्या था बे। रीस टोपली पहली बॉल फेस करेगा और लास्ट ओवर है, कितने ही रन बना, अरे चलो ठीक है मेरे ख्याल से 45 के समथिंग जाने वाला है टारगेट MI के लिए और वो MI के लिए तो भाई बच्चों वाला खेल हो जाएगा, जीत जाएगी क्योंकि रोहित शर्मा आएगा बैटिंग करने। 42 रन पे 4 विकेट RCB, ये शॉट अच्छा है रीस टोपली का, स्ट्राइक पे आ जाएंगे कैमरन ग्रीन, नहीं यार कैमरन भी नहीं आ रहा स्ट्राइक पे, रीस टोपली रहेगा, 2 बॉलें बच रही हैं।
तीन बॉल बच रही है, 44 रन पे 4 विकेट, 4-4-4। हार्दिक बोला कि मुझे लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता। हार्दिक बोल रहा है भाई आज तो मैच जिताएगा मैच। 2 रन दिए, 1 विकेट लिया है, और यहाँ एक और विकेट हो सकता है। हार्दिक पांड्या, ग्रेट बॉलिंग भाई यहाँ पे पांड्या की तरफ से, एक और विकेट लिया और पांड्या खुश। हार्दिक पांड्या भी लाइक, मेरे को छपरी बोलोगे, यहाँ पे विकेट तो ले लिया। और भाई यहाँ पे दी स्टॉपली रिव्यू लेते हुए अपने लिए, भाई मेरे को तो आउट ही लग रहा है, बाकी बाहर जाएगी, हाइट का हो सकता है, नहीं हो सकता भाई। विकेट यहाँ पे हार्दिक पांड्या को विकेट मिल गया। और भाई आरसीबी का एक रिव्यू खराब भी जा चुका है, 2 बॉले बच रहे हैं, वैसे इनिंग्स की इतना कुछ होता नहीं भाई, सीधा मिडिल स्टंप पे लग रही थी बॉल। अच्छा इनिंग्स भी खत्म हो गई, ओ इसमें ये अच्छा 5 ओवर वाले मैच में ये 5 विकेट गिर गए तो तुम्हारी इनिंग खत्म। 45 का टारगेट भाई, मेरी प्रेडिक्शन, वाओ एक नंबर प्रेडिक्शन डाली यार मैंने आज तो। रोहित शर्मा और ईशान किशन आ रहे हैं बैटिंग करने एमआई की तरफ से। पिछला मैच भाई आरसीबी बहुत अच्छे से जीत गई थी, 1.5 ओवर पहले ही 185 का टारगेट था रोहित शर्मा। और भाई यहाँ पे मोहम्मद सिराज पहली बॉल शॉर्ट पिच बॉल, और भाई पुल शॉट मारा है रोहित ने पहली बॉल पे, और यहाँ सिंगल मिल, अरे चौका भाई, भाई भाई फील्डिंग बढ़िया, फील्डिंग भाई बहुत बढ़िया, ताली बजाओ ताली। रोहित शर्मा ने पुल तो मारा था बट भाई ये अनएक्सपेक्टेड था कि चौका चला जाएगा, बेकार फील्डिंग करते हुए यहाँ पे आरसीबी। भाई कैसे कर लेंगे ये लोग डिफेंड, 41 रन और चाहिए। वैसे एआई कर रहा है तो मेरे को दिक्कत नहीं है, कोई भी जीते। एक और पुल शॉट और यहाँ पे अगेन चौका, रोहित शर्मा 2 बॉल पे 2 बाउंड्री लगातार। और भाई तुम में से जो भी चैनल पर है वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, स्ट्रीम को कर देना लाइक, और भाई नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन करना मत भूलना डेली स्ट्रीम्स के लिए। पहला मैच भाई हमने करा था 20 ओवर्स का, तो वो भाई जीत गई थी आरसीबी। ये हमने कराया 5-5 ओवर का प्रॉपर एआई मैच, एआई खेल रहा है, मैं किसी टीम से नहीं खेल रहा हूँ। 2 बॉल पे 8 रन आ चुके हैं एमआई पे। रोहित शर्मा भी लाइक, भाई रोहित मैन मेरे को ऐसे ही नहीं बोलते, तो भाई मेरे को लग रहा है रोहित ही जिताएगा ये मैच एमआई को। हेलो सताना भाई क्या हाल है तुम्हारे, महाबीज सताना ब्रो क्या हाल है। रोहित शर्मा 3 बॉल पे 8 रन, ये शॉट अच्छा है रोहित शर्मा का, और यहां 2 रन मिल जाएंगे रोहित को इजीली। 4 बॉल में आ चुके हैं 10 रन मुंबई इंडियंस। रोहित शर्मा ग्रेट बैटिंग करते हुए 4 बॉल पे 10 रन बनाए रोहित ने। 2 बॉलें बच रही है पहले ओवर की, मोहम्मद सिराज 10 रन दे चुके हैं अभी तक। ये बॉल अच्छी है और ये डॉट बॉल जाएगी, बढ़िया बॉलिंग मोहम्मद सिराज की तरफ से। रोहित शर्मा की बोला कि आज तो पुल शॉट के अलावा नहीं खेलूंगा, बाकी देखते हैं 5 ओवर वाला मैच कौन जीतने वाला है। 2020 जीता था भाई अपनी आरसीबी ने 5 विकेट से, ये मैच देखते हैं। रोहित शर्मा स्ट्राइक पे और यहां विकेट, बहुत बढ़िया बॉलिंग मोहम्मद सिराज, बढ़िया विकेट लेते हुए भाई, ये काफी अच्छी बॉल डाली, पुल शॉट खेलने गए रोहित शर्मा और यहां पे एज लग के आउट हुए। बढ़िया बॉलिंग मोहम्मद सिराज, 10 रन बना के आउट रोहित शर्मा। सूर्य कुमार यादव आया बैटिंग करने, थैंक यू हिमांशु भाई। यश दयाल सेकंड ओवर करवाने आ रहे हैं, और भाई ये पिछली विकेट, ये कमाल की बॉलिंग यहाँ पे मोहम्मद सिराज, 10 रन जरूर दिए बट एक बहुत बड़ा विकेट एमआई का गिराया। रोहित शर्मा आउट हुए, पुल शॉट खेला था और भाई सीधा स्टंप पे जाके लगी भाई, बैट का एज लगा और यहाँ पे आउट रोहित शर्मा। यश दयाल आए हैं सेकंड ओवर डालने, 35 रन चाहिए 24 बॉल पे। पहली बॉल सेकंड ओवर की यॉर्कर से शुरुआत करी है, और यहाँ सिंगल मिल जाएगा ईशान किशन को। बाकी भाई आप में से जो भी चैनल अपने वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, स्ट्रीम को कर देना लाइक, एंड भाई नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ऑन कर देना। डेली हम 3-3:30 बजे करीब स्ट्रीम स्टार्ट कर देते हैं मैचेस की। बाकी ये दूसरा मैच है एमआई वर्सेस आरसीबी का, 5 ओवर का मैच है, ये एआई मैच है पूरा, मैंने किसी टीम के साथ नहीं खेला है। बाकी यश दयाल बढ़िया शुरुआत ओवर की अपने, 11 रन पे 1 विकेट मुंबई इंडियंस, 34 रन चाहिए 22 बॉल्स पे ये मैच जीतने के लिए मुंबई इंडियंस को। सूर्य कुमार यादव और ईशान किशन है जो कुछ कर सकता है, शॉर्ट पिच बॉल डाली है और यहाँ सिंगल मिल जाएगा स्काई को। भाई ये क्या करा है फील्डर ने, बाकी चलो कोई बात नहीं। 12 रन पे 1 विकेट मुंबई इंडियंस, 3 बॉल बच रही है सेकंड ओवर की, और भाई अच्छा कमबैक करवाया मोहम्मद सिराज ने, अच्छा खेल रहे थे रोहित शर्मा, अच्छी फ्लो में थे, बाकी वहां पे विकेट लिया। ईशान किशन सेकंड बॉल फेस करेंगे अपनी, शॉर्ट पिच बॉल, शॉट अच्छा मारा है, पीछे फील्डर मौजूद, 1 रन मिलेगा ईशान किशन को। सूर्य कुमार बोले कि भाई वड़ा पाव नहीं मिल रहा आज, इसलिए आउट हो गया।
ईशान किशन भाई दोनों अब प्रेशर में आ चुके हैं। 20 बॉल पे 36 रन, 32 रन चाहिए। और यहाँ से थोड़ा मुश्किल लग रहा है मेरे को कि एमआई ये मैच जीतेगी। सूर्य कुमार यादव भाई स्काई है तो मुमकिन है, चौका मार चुका है भाई स्काई, बढ़िया चौका। यश दयाल नाखुश अपनी बॉलिंग से, शॉर्ट पिच बॉल रखी और भाई उनके एरिया में बॉल रखोगे तो यहाँ पे रन जाना तो कंफर्म है भाई। बढ़िया चौका आया सूर्य कुमार यादव का, 19 बॉल पे 28 रन चाहिए। 5 ओवर का मैच था ये, सूर्य कुमार यादव 3 बॉल पे 5 रन, शॉर्ट पिच बॉल अगेन, और ये बढ़िया फील्डिंग करते हुए, बढ़िया फील्डिंग करण शर्मा। ओके अभी करण शर्मा को ही दिखाया था स्क्रीन पर, विकेट ओवर भी दे दिया, 3रा ओवर डालना है करण शर्मा। पहली बॉल करण शर्मा के स्पेल की और यहां पे रिव्यू मांगा है, बट मेरे को समझ नहीं आ रहा किस चीज का रिव्यू मांगा है। ये तो खैर नोट आउट ही है। थैंक यू भाई हिमांशु भाई, थैंक यू सो मच। सेकंड बॉल करण शर्मा के ओवर की और ये बढ़िया शॉट है ईशान किशन का, स्वीप शॉट, स्वीप तो नहीं बोलेंगे, थोड़ा यार कवर्स के ऊपर से बैठ के खेला और यहां 6 रन मिल चुके हैं ईशान किशन। पिछले मैच में सेंचुरी मार के आया बंदा और इस मैच में भी भाई अपनी पारी बखूबी निभा रहा है, बहुत बढ़िया शॉट ईशान किशन, 99 मीटर्स का सिक्स भाई, बढ़िया शॉट। 23 रन पे एक विकेट, 22 रन चाहिए 16 बॉलों पे, अगेन बढ़िया शॉट ईशान किशन और यहाँ पे भी चौका मिलेगा, 27 रन पे एक विकेट। बैटिंग भाई ईशान किशन आज प्लेयर ऑफ द मैच रहेगा अगेन, पिछले मैच में भी प्लेयर ऑफ द मैच जरूर रहा था भाई, जीती बेशक आरसीबी थी बट भाई बंदे की इनिंग्स, 60 बॉल पे 100 रन मारे थे, 5 बॉल पे 12 यहाँ पे भी खेल दिए। करण शर्मा का ओवर 10 रन आ चुके हैं, 4 बॉले हो चुके हैं इस ओवर की, 27 रन पे एक विकेट एमआई, 2 बॉले बच रही है तीसरे ओवर की, 27 रन बना चुके हैं एमआई की टीम, एक विकेट गिराया, 18 रन चाहिए यहाँ पे, और ये अच्छी बॉल थी करण शर्मा कमबैक कराते हुए अपनी टीम को, 2 बॉल डॉट बॉल डाल चुके हैं लगातार, 10 रन आए खैर इस ओवर में, अपने तो काम कर दिया भाई ईशान किशन ने। लास्ट बॉल ऑफ द ओवर और यहां चौका मिल जाएगा ईशान किशन, बढ़िया चौका, 31 रन पे एक विकेट मुंबई इंडियंस, और ये मैच भी यार काफी अच्छा मैच जा रहा है। ओके अब समझ जा भाई कौन जीतने वाला है मैच, अलजारी जोसेफ आ चुका है तो भाई अब मैं पूरी तरफ से भाई एमआई की साइड हूं कि एमआई जीतेगी ये मैच। 14 रन चाहिए यहां से ये मैच जीतने के लिए। लो भाई सूर्य कुमार यादव पहली बॉल पे छक्का, मेरे को पता था यही होने वाला है, 37 रन पे एक विकेट रॉयल चैलेंजर बेंगलोर। हेलो अमित सिंह क्या हाल है भाई, हेलो, ये बढ़िया ओवर भाई, 37 रन पे एक विकेट सूर्य कुमार यादव, 5 बॉल पे 11 रन, 8 रन चाहिए, ये बॉल अच्छी, ओ भाई शॉट अच्छा था, बाकी अलजारी जोसेफ पिटवा तो दिया है भाई ओवर, मेरे को पूरा यकीन था ये आएगा तो भाई एमआई जीतने वाली है मैच, बाकी प्लेइंग 11 में किसने खिलाया भाई इसको, सूर्य कुमार यादव 6 बॉल 11 रन, 8 रन चाहिए, 2 बाउंड्री चाहिए जो कि सूर्य कुमार यादव के लिए बड़ी बात नहीं है क्योंकि एक बाउंड्री बंदा मार चुका है अब। और एक बार भाई कमेंट, भाई मैं आपका बिग 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 फैन हूँ, थैंक यू यार, और भाई जल्दी बता दो अगला मैच कौन सा खेलना है, दोबारा 5-5 ओवर का मैच करना है तो मेरे को बता दो, कर लेंगे एक मैच और कोई दिक्कत नहीं है। 41 रन पे एक विकेट, 4 रन चाहिए सूर्य कुमार यादव स्ट्राइक पे, और ये बॉल डॉट बॉल जाते हुए, आप क्या थ्रो कर रहे हो भाई, 10 ओवर का मैच, 10 ओवर का यार थोड़ा बड़ा हो जाएगा, बाकी देखते हैं, मेरे को तो कमेंट्री करनी है अभी, एक मैच में तो यार वैसे ही कर ली, 7-8 घंटे बोलने वाला था, 2 घंटे तो कर ही ली थी, 1.5 घंटे। सूर्य कुमार यादव 8 बॉल पे 15 रन और यहाँ पे भाई एमआई मैच जीत चुकी है, बेहतरीन बैटिंग सूर्य कुमार यादव और ईशान किशन, बढ़िया बैटिंग करते हुए अपनी टीम के लिए। बढ़िया कमबैक सूर्य कुमार यादव का, एमआई जीत गई है मैच 4 विकेट से। 5 ओवर का करवाता हूँ मैच एक और, 44 मारे थे भाई आरसीबी ने, 5 विकेट खोए थे और यहाँ पे 47 सिर्फ एक विकेट, प्लेयर ऑफ द मैच सूर्य कुमार यादव। एक और मैच करवा देते हैं 5-5 ओवर का, एक चलो ये लास्ट मैच होने वाला है, एक मैच जीत गई हमारी आरसीबी, जो प्रॉपर T20 मैच हुआ था वो आरसीबी जीती थी, एक मैच 5 ओवर का एमआई जीत चुकी है, ये लास्ट मैच होने वाला है। हाँ भाई मैं जानता हूँ आरटीएक्स विवेक को, उनकी मैंने वीडियोस देखी और उन्हीं की वीडियो देख के, उनकी राहुल आर के गेमर की वीडियो देख के वीडियो बनानी शुरू करी, स्ट्रीम करनी शुरू करी। चलो किसी टीम की तरफ से नहीं खेलेंगे, प्लेइंग 11 थोड़ी चेंज कर देता हूँ मैं,
2024 वाली लाइनअप चाहिए। 5 ओवर का मैच है, वानखेड़े में ही होने वाला है। और एक बार यहाँ पे मैं बॉलिंग भी चेंज कर दूँ थोड़ी, हमारा जो स्टेडियम है उसको थोड़ा चेंज करते हैं, ड्राई नहीं रखेंगे पिच को, हम रखेंगे ग्रासी, क्योंकि बॉलर के लिए थोड़ी सी अच्छी होने वाली है। पिच क्रैक नहीं, पिच वियर रेट फास्ट रखेंगे। 7:30 बजे वाली टाइमिंग कहाँ गई भाई? ओके, 8 बजे की टाइमिंग दिखा रहा है सीधे 5 ओवर के मैच में। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैच डिफिकल्टी रियलिस्टिक। भाई मैं 20 मिनट बाद आऊँगा, 20 मिनट में तो यार मैं कर दूंगा स्ट्रीम खत्म अब, क्योंकि ये लास्ट मैच होने वाला है, 5 ओवर का मैच है, लास्ट मैच आज का, MI वर्सेस RCB, लास्ट मैच। एक मैच जीती है RCB, एक मैच जीती है MI, और भाई ये लास्ट मैच होने वाला है, ये हम देखते हैं ये मैच कौन सी टीम जीतती है। मेरे चांसेस है कि ये मैच जीतेगी भाई RCB, बाकी देखते हैं। T10 मैच होने वाला है, ओ टी ओ 5 ओवर मैच होने वाला है ये भी। बेंगलोर पहले बॉलिंग कर रही है अब, चलो आप चले जाओ देख लेना बाद में इस मैच को, कंटिन्यू कर लेना। रोहित शर्मा स्ट्राइक पे पहली बॉल डालने आ रहे हैं, रिश टोपली, AI मैच होने वाला है, 5 ओवर मैच, रिश टोपली पहली बॉल, यॉर्कर डाली है और शुरुआत हुई है रोहित शर्मा की सिंगल के साथ, एक बॉल एक रन। मुंबई इंडियंस क्या लगता है कितने रन बनाएगी 5 ओवर में? मैं प्रेडिक्शन लेके चल रहा हूं कि भाई 60 रन आने वाले हैं इस ओवर में, इस 5 ओवर के मैच में। ईशान किशन ऑन द स्ट्राइक, 2 मैच में अच्छा प्रदर्शन किया है भाई ईशान किशन ने, एक मैच में सेंचुरी, एक में भाई प्लेयर ऑफ द मैच रहते रहते बच गए, बाकी यहां सिंगल लिया है, पुल शॉट खेला बढ़िया, 2 बॉल पे 2 रन मुंबई इंडियंस। रोहित शर्मा 1 बॉल पे 1 रन, ईशान किशन 1 बॉल पे 1 रन, 6 रन आए हैं, 6 रन का रन रेट चल रहा है अभी। दोबारा यॉर्कर और यहां पे बढ़िया शॉट है रोहित शर्मा का 4 रन के लिए, बेहतरीन बाउंड्री रोहित शर्मा के बल्ले से। रीस टॉपली बॉल अच्छी थी बट भाई उससे अच्छा शॉट रोहित शर्मा का, 4 रन मिलेंगे। रोहित शर्मा ऑन फायर, 2 बॉल पे 5 रन, 6 रन, 0 विकेट, मुंबई इंडियंस। 34th बॉल पहले ओवर की और यहाँ पे भी सिंगल मिल जाएगा रोहित शर्मा को, पीछे फील्डर मौजूद और यहाँ सिंगल ही मिला है, बढ़िया बैटिंग। मुंबई इंडियंस 7 रन 0 विकेट, 5वीं बॉल पहले ओवर की। ईशान किशन ऑन द स्ट्राइक, 1 बॉल पे 1 रन मारा है ईशान ने, पिछले मैच में अच्छी बैटिंग करके आए हैं, थोड़ी सी वाइड, और भाई ये बहुत तगड़ा कैच फील्डर का, पहला विकेट मिल चुका है रीस चोपली को, और भाई फील्डर की दाद देनी पड़ेगी भाई, जो कैच पकड़ा फील्डर ने हवा में कूद के भाई, बहुत बेहतरीन कैच, वन ऑफ द बेस्ट कैच भाई रजत पाटीदार। ईशान किशन आउट 1 रन बना के, सूर्य कुमार यादव आए हैं अगले बैट्समैन। लास्ट बॉल पहले ओवर की, 7 रन पे 1 विकेट, बढ़िया ओवर, और डॉट बॉल के साथ खत्म होता है पहले ओवर के बाद, 7 रन पे 0 विकेट मुंबई इंडियंस। सेकंड ओवर कौन डालने आ रहा है? मोहम्मद सिराज आ रहा है सेकंड ओवर डालने। रोहित शर्मा 3 बॉल पे 6 रन, और मैं थक गया यार बैठे बैठे आज तो। यहां एच लगा है, बढ़िया, चलो देखते हैं कौन जीतता है ये वाला मैच। रोहित शर्मा 4 बॉल पे 6 रन, सेकंड बॉल सेकंड ओवर की, मोहम्मद सिराज, ये शॉट अच्छा है रोहित शर्मा का, 2 रन मिलने चाहिए जो कि मिल भी जाएंगे अगर ये लोग भागे तो, भाई भागे ही नहीं, 1 ही रन मिला भाई। अब थोड़ा सा लग रहा है कि MI थोड़ा धीरे हो चुके हैं, पिछले मैच में काफी अच्छी बैटिंग कर रहे थे MI वाले। सूर्य कुमार यादव और रोहित शर्मा है स्ट्राइक पे, तो ये दोनों बना सकता है अच्छा खासा टारगेट। शॉर्ट पिच बॉल डाली है और यहाँ चौका मिल जाएगा स्काई को, नहीं मिलेगा, 2 ही रन मिलेंगे, चलो ठीक है। 10 रन पे 1 विकेट MI, सेकंड ओवर चल रहा है। सूर्य कुमार यादव 2 बॉल पे 2 रन, मोहम्मद सिराज, ये शॉट अच्छा है सूर्य कुमार का, और यहां कैच, एक और विकेट यहां पे MI का, 10 रन पे 2 विकेट, सूर्य कुमार यादव आउट, मोहम्मद सिराज भाई शॉट बढ़िया था यहां पे सूर्य कुमार का, बट यहां कैच पकड़ते हुए फील्डर, सीधा फील्डर के हाथ में, करण शर्मा एक इजी कैच के साथ आउट करा यहां पे सूर्य कुमार यादव को। पांडे आ चुके हैं बैटिंग करने, पांडे और रोहित शर्मा एक साथ, बहुत कम देखने को मिलता है भाई वही बैटिंग, देखते अब क्या होता है। 10 रन पे 2 विकेट गिर चुके हैं MI के, और यहाँ पे शुरुआत हुई है शायद 6 रन के साथ, एज का 6 रन मिल गया भाई हार्दिक पांड्या, किस्मत लेके आया भाई इस मैच में, 6 रन मिल चुके हैं पहली बॉल पर में भाई, 9 रन आ चुके हैं, 1 विकेट गिरा है इस ओवर में। लास्ट बॉल ऑफ द सेकंड ओवर,
डॉट बॉल के साथ खत्म होता है सेकंड ओवर। दो ओवर के बाद 16 रन पे 2 विकेट मुंबई इंडियंस। यश दयाल तीसरा ओवर कंटिन्यू करने आए हैं आरसीबी के लिए। रोहित शर्मा 5 बॉल पे 7 रन। हेलो ड्रैगन वॉरियर गेमर्स वाइटी, हेलो ब्रो, क्या हाल है तुम्हारे। और यहां अच्छा शॉट मारा है, 2 रन मिल जाएंगे यहां पे एमआई को। रोहित शर्मा 7 रन। हेलो ड्रैगन ड्रैगन वॉरियर गेमर्स वाइटी, अगर चैनल पर नए हो तो भाई प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, स्ट्रीम को कर देना लाइक। 18 रन पे 2 विकेट एमआई। और ये भाई प्रॉपर एआई मैच हो रहा है, अगर तुमको रियल मैच देखना है जो मैंने खेला था वो भाई थोड़ी देर पहले आधे घंटे की पहले की स्ट्रीम में दिख जाएगा। हेलो हेलो शाश्वत भाई, कल किसका मैच है? कल का यार मेरे को मैच याद नहीं है, पता नहीं किसका मैच है कल, मगर भाई स्ट्रीम तो होनी है कल के मैच की भी। देखता हूँ एक बार, चेक कर लेते हैं। कल मैच है एलएसजी वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स, एक ही मैच है। और कल आर यू कॉमेडी में हिमांशु। हार्दिक पांड्या 2 बॉल पे 6 रन, शॉर्ट पिच बॉल डाली है और यहां 1 रन मिल जाएगा। 20 रन भाई मुंबई इंडियंस 2 विकेट गवा चुके अपने। थैंक यू भाई, थैंक यू। और बताओ भाई ईद बना ली तुमने? ईद थी ना अभी 1-2 दिन पहले शायद। 20 रन पे 2 विकेट मुंबई इंडियंस, शॉर्ट पिच बॉल और यहां पे चौका मिल जाएगा। रोहित शर्मा भाई एच का चौका मिल गया, बहुत बढ़िया। 5 ओवर का मैच है भाई, रोहित शर्मा 8 बॉल पे 14 रन। और एआई मैच हो रहा है पूरा, मैं नहीं खेल रहा हूँ, सिर्फ कमेंट्री कर रहा हूँ अभी। यॉर्कर डालिया यहाँ पे, एक और अच्छा शॉट, यश दयाल का ओवर पिट गया भाई, एक और चौका आ चुका है इस ओवर में। अरे नहीं होता यार ऐसे फिक्स, मतलब एक बार याद है सीएसके जब फिक्सिंग में फंसी थी, अगर फिक्स होगा ना बहुत गंदे फंस जाएंगे ये लोग, क्योंकि एक तो इंटरनेशनल करियर खत्म हो जाता है, और अगर हो तो भाई पता नहीं, क्योंकि अपने ये डेविड वॉर्नर वगैरह का था। ओके करण शर्मा आया चौथा ओवर डालने, 28 रन पे 1 विकेट, सॉरी 2 विकेट। ईद मुबारक भाई, ईद मुबारक। हार्दिक पांड्या 3 बॉल पे 7 रन, यहां पे डॉट बॉल जाएगी। देखते भाई 2 ओवर बच रहे, कितने रन बना पाती है मुंबई इंडियंस। हार्दिक पांड्या 4 बॉल 7 रन, शॉर्ट पिच बॉल डालिया करण शर्मा ने और यहां कैच। ओ मैक्सवेल थोड़ा आगे होता भाई तो ये कैच पकड़ सकता था। बाकी भाई जो स्ट्रीम पर नया प्लीज स्ट्रीम को कर देना लाइक, चैनल कर देना सब्सक्राइब, और भाई नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर देना डेली स्ट्रीम्स के लिए। ये बढ़िया शॉट है हार्दिक पांड्या का, यहाँ चौका मिल जाएगा पांड्या को, बढ़िया रिवर्स स्वीप और यहाँ 4 रन मिल चुके हैं। हार्दिक पांड्या बेहतरीन बैटिंग करते हुए अपनी टीम के लिए, बढ़िया शॉट भाई हार्दिक पांड्या। 32 रन पे 2 विकेट, चौथा ओवर चल रहा है, चौथे ओवर की चौथी बॉल, 4 रन आए हैं इस ओवर में और यहां सिंगल मिल जाएगा हार्दिक पांड्या को। स्ट्राइक पर आ जाएंगे रोहित शर्मा, 10 बॉल पर 18 रन रोहित शर्मा ने बनाए हैं। 33 रन पे 2 विकेट मुंबई इंडियंस। ये पुराने टेस्ट और कप वाले मैच पे कमेंट्री पे लो। एक और रिवर्स स्वीप भाई और यहां कैच, यहां विकेट गिर चुका है भाई। वो करेंगे, वो मैच भी करेंगे, अभी तो आईपीएल चल रहा है तो देखते हैं। और यहां करण शर्मा ने विकेट ले लिया है, हार्दिक पांड्या आउट, दोबारा रिवर्स स्वीप खेलने गए और यहां पे ओके रोहित शर्मा आउट हुआ है। मेरे को लगा भाई हार्दिक पांड्या आउट हुआ है, बाकी तिलक वर्मा आ चुके हैं बैटिंग करने और 2 विकेट बच रहे हैं एमआई के पास और 1 ओवर बच रहा है इसके बाद, देखते हैं कितने रन बना पाती है। और यहां पे आउट होगा, एक और विकेट गवा दिया है भाई, कंफर्म एलबीडब्ल्यू था पूरा। करण शर्मा 2 बॉल पे लगातार 2 विकेट, रिव्यू के लिए जा सकते हैं यहाँ पे तिलक वर्मा, नहीं गए भाई, चलो ठीक है। 2 बॉल पे लगातार 2 विकेट, लास्ट ओवर देखते हैं कौन डलवाने आ रहा है। टिम डेविड बैटिंग करना है, लास्ट ओवर डालना है ग्लेन मैक्सवेल और 1 विकेट बचा है बस एमआई के पास। 5 ओवर का ही मैच है, 5वां ओवर चल रहा है, पहली बॉल 5th ओवर की, हार्दिक पांड्या स्ट्राइक पे और भाई रन ही नहीं लिया पांड्या ने। वाओ पांड्या का एरोगेंट यहाँ पे, एरोगेंस यहाँ पे भी है भाई, सो डेट नए बच्चे पुराने मैचेस देखे जेंजी कमेंट्री के साथ। आधे लोगों को यार पता ही नहीं है पहले के मैचेस के बारे में, अभी स्ट्रीम पे आए थे 2-3 बंदे उनको याद ही नहीं है पहले के मैचेस। यहाँ चौका मिल चुका है, 37 रन पे 4 विकेट मुंबई इंडियंस। करूंगा वो भी लाऊंगा, हाँ वही मैं सोच रहा था, पुराने प्लेयर्स उनकी वीडियो और प्रॉपर स्ट्रीम वगैरह लाएंगे। हार्दिक पांड्या 9 बॉल पे 16 रन बनाए हैं, लास्ट ओवर है, यहाँ पे सिंगल मिलेगा, 38 रन और 1 ही विकेट बचा है एमआई के पास और ये लास्ट ओवर ही चल रहा है। 5 ओवर का मैच था ये,
प्रॉपर T20 जो मैच हुआ था उसमें भाई राजस्थान जीत गई थी। सेकंड मैच हमने करवाया मुंबई वर्सेस राजस्थानी, वो 5 ओवर का था, वो जीती थी भाई। ये लास्ट मैच है, ये जो जीतेगा भाई तो देखते हैं कौन जीतता है इस मैच को। 39 रन्स 4 विकेट मुंबई इंडियंस, 3 मैच हो चुके हैं, तीसरा ही मैच चल रहा है, 2 बॉले बच रही है इस इनिंग की। हार्दिक पांड्या 10 बॉल पे 17 रन, पांड्या मैच में करके ही आया है। 39 रन पे 4 विकेट, ये अच्छा शॉट मारा है हार्दिक पांड्या ने, यहाँ 6 रन मिल जाएंगे। 45 पे पहुंचा दिया भाई अपनी टीम को बेहतरीन बैटिंग करते हुए हार्दिक पांड्या। रन ही नहीं ले रहा है, रन नहीं ले रहा पता नहीं, बट भाई बाउंड्री मार दी। 11 बॉल पे 23 रन, लास्ट बॉल ऑफ द इनिंग्स, 45 रन पे 4 विकेट, और यहां चौका मिल जाएगा पांड्या को, 50 का टारगेट है भाई, बहुत बढ़िया। 49 पे 4 विकेट, 50 का टारगेट आरसीबी के लिए। तो मेरा गला बैठ गया भाई, 1.5-2 घंटे से स्ट्रीम कर रहा हूँ, बोल बोल के पानी पी लूँ। ओपनिंग करने आ रहे हैं फैफ डू प्लेसी और भाई अपने रोहित बोल रहा हूँ, विराट कोहली। 5 ओवर का मैच है, 50 का टारगेट है, फैफ डू प्लेसी ऑन द स्ट्राइक, पहली बॉल ऑफ द इनिंग्स, जसप्रीत बुमराह बॉलिंग करवाते हुए पहला ओवर, और देखते हैं क्या मिलता है भाई पहली बॉल पे। शॉर्ट पिच बॉल डाली है और डॉट बॉल के साथ शुरुआत हुई है इस ओवर की, और ये लास्ट 5 ओवर है भाई, उसके बाद मैं स्ट्रीम कर दूंगा बंद, क्योंकि तीसरा मैच हो जाएगा तो भाई हमको पता चल ही जाएगा कि कौन है सुपीरियर इन दोनों टीम में से, MI या भाई RCB, जो जीतेंगे 2 मैचेस, अभी दोनों ने एक एक मैच जीता, ये मैच जो जीता वो ठीक है। शॉर्ट पिच बॉल और यहाँ पे 1 रन मिल जाएगा, स्ट्राइक पे आ जाएंगे विराट कोहली। विराट कोहली ऑन द स्ट्राइक, अभी तक भाई एक भी बॉल फेस करी नहीं थी। 49 रन और चाहिए यहाँ से RCB को ये मैच जीतने के लिए। जसप्रीत बुमराह 1 बॉल 0 रन, विराट कोहली पहली बॉल, शॉर्ट पिच बॉल डाली है और चौके के साथ शुरुआत हुई है विराट की इनिंग की, बढ़िया शुरुआत 4 रन के साथ, 5 रन 0 विकेट, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर। विराट कोहली पहली बॉल पर चौका लिया, 3 बॉल 5 रन RCB, चौथी बॉल पहले ओवर की, शॉर्ट पिच बॉल रखी अगेन, एक अच्छा शॉट, यहाँ सिंगल मिल जाएगा विराट को, स्ट्राइक पे आ जाएंगे फैफ डुप्लेसी, 6 रन 0 विकेट RCB, और 2 बॉल बच रहे हैं पहले ओवर की। पहले ओवर में भाई 10 रन आए थे MI के पास, यहाँ पे 6 रन अभी आ चुके हैं, 2 बॉलें बच रही हैं, 5 ओवर का मैच है, 44 रन और चाहिए ये मैच जीतने के लिए RCB को, मतलब 50 का टारगेट है, 6 रन बना चुकी है, ये अच्छी बॉल डाली है लाइन लेंथ और यहाँ डॉट बॉल जाएगी। फैफ डुप्लेसी 2 बॉल 1 रन, अब 3 बॉल हो गई होंगी, लास्ट बॉल पहले ओवर की, 6 रन पे 0 विकेट रॉयल चैलेंजर बेंगलोर, और बुमराह के बाद तो कोई बॉलर है नहीं जो अच्छी बॉलिंग करवाए, तो अब ये देखने लायक होगा कि किस हिसाब से रन बनाएंगे RCB वाले। लास्ट बॉल पहले ओवर की, यॉर्कर डालिए और यहां विकेट मिल सकता है, बढ़िया यॉर्कर यहां पे जसप्रीत बुमराह। बाकी रिव्यू के लिए जाएंगे क्या हार्दिक पांड्या, भाई ले ले रिव्यू, भाई ले लिया है रिव्यू, और भाई मेरे को लग रहा है जसप्रीत बुमराह विकेट ले जा चुका है अपना। पहले ओवर की लास्ट बॉल पे जसप्रीत बुमराह इंपैक्ट आउटसाइड ऑफ विकेट हिटिंग, बस यही हो गया, आउटसाइड ऑफ इंपैक्ट, नॉट आउट। ल्यूक वुड आया भाई सेकंड ओवर डालने और 44 रन चाहिए, पहले ओवर से सिर्फ 6 रन आए RCB के पास, 24 बॉल पे 44 रन चाहिए ल्यूक वुड, और भाई ये अच्छी बॉल डाली है ल्यूक वुड ने, पहली बॉल ही बाउंसर विराट कोहली को, अब यहीं पर रोहित शर्मा होता इस बाउंसर पे तो पुल शॉट पे 6 रन मिल जाते। विराट कोहली 3 बॉल पे 5 रन, RCB 6 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के, ये शॉट अच्छा है और यहाँ 4 रन मिलेंगे विराट कोहली को, बढ़िया चौका, 10 रन पे RCB 0 विकेट, 40 रन और चाहिए ये मैच जीतने के लिए रॉयल चैलेंजर बेंगलोर को, 22 बॉल्स तो चाहिए 40 रन, तीसरी बॉल इस ओवर की, दोबारा शॉर्ट पिच बॉल और एक और बढ़िया शॉट, विराट कोहली कवर्स के ऊपर से इनटू द ग्राउंड 6 रन के लिए, बढ़िया शॉट, 2 बॉल पे 2 बाउंड्री, 10 रन आ चुके हैं इस ओवर में और 3 बॉलें अभी बच रही है इस ओवर की। मेरे को ये तो पता था भाई ये चीज होने वाली है, बुमराह के ओवर में तो रुक जाएंगे ये लोग, अगेन शॉर्ट पिच बॉल और एक और अच्छी बॉल, ईशान किशन कीपिंग अच्छी कर रहा है, 2 बॉल बच रही है सेकंड ओवर की, 20 बॉल पे चाहिए 34 रन, ये शॉट अच्छा है विराट कोहली, इस बार फ्लिक ऑफ द हैंड और यहां पे भी 6 रन ले लिए, महंगा ओवर भाई यहां पे MI के लिए, 16 रन आ चुके हैं इस ओवर से, लास्ट बॉल ऑफ द सेकंड ओवर और यहां से अब काफी कम रन चाहिए
आरसीबी को चाहिए 28 रन 19 बॉलों पे, और यहां पे आउट हो सकते हैं विराट। यहां पे रिव्यू लेंगे एम्पायर से, कंफर्म है भाई इस बार तो रिव्यू। अरे रिव्यू ही नहीं लिया, मेरे को एक बार रिप्ले देखना है। मैं ले लेता हूँ रिव्यू नकली का, देख तो लूँ। मेरे ख्याल से तो आउट था अगर रिव्यू लेते तो। इम्पैक्ट आउटसाइड लैग हो गया ना, विकेट इम्पैक्ट इन लाइन था, विकेट भी हिटिंग ही था, तो ये आउट दे सकते थे, एक ही तो ग्रीन था। चलो कोई नहीं, रिव्यू ही नहीं बचाता उनके पास, क्योंकि 5 ओवर के मैच में एक ही रिव्यू ले सकती है एक टीम, और वहां पर रिव्यू ले चुकी थी एमआई पहले। 3 ओवर बच रहे हैं, 28 रन चाहिए। गैराल्ट कोर्ट्जी आए हैं तीसरा ओवर डालने, 22 रन 0 विकेट, रॉयल चैलेंजर बैंगलोर। 28 रन और चाहिए 17 बॉलों पे। विराट कोहली 8 बॉल पे 21 रन बनाए है भाई अपनी टीम के लिए। फैफ डुप्लेसी 5 बॉल पे 1 ही रन खेला है, और ये अच्छा शॉट है फैफ डुप्लेसी का, यहाँ चौका मिलेगा। चलो भाई 1 ही रन बनाया था अभी तक, और यहाँ बाउंड्री ले लिया फैफ डुप्लेसी ने। 26 रन 0 विकेट, फैफ डुप्लेसी बढ़िया बैटिंग करते हुए 6 बॉल पे 5 रन, 16 बॉलों पे चाहिए 24 रन आरसीबी को ये मैच जीतने के लिए, और 3 मैच में से 2 मैच जीत जाएगी आरसीबी। और यहां पे 6 रन मिल चुके हैं आरसीबी को, पिट गया है भाई गैराल्ट कोर्सी का भी ओवर। पिछले ओवर में 16 रन आए, यहां पे 10 रन आ चुके हैं। और तो भाई आंसर हमारे सामने है, कौन जीतने वाला है 3 में से 2 मैच, और ये LBW होगा कंफर्म। यहां विकेट ले लिया गैराल्ट कोर्सी ने 10 रन देने के बाद, यहां विकेट ले लिया, बढ़िया विकेट गैराल्ट कोर्सी का। और यहां पे भाई रिव्यू लेने का कोई चांस है नहीं, और यहां विकेट गवा दिया भाई आरसीबी ने अपना। AI मैच चल रहा है तो भाई मैच देखने में मजे तो आ रहे हैं। रजत पाटीदार आया 14 बॉल पर 18 रन चाहिए, 2 मैच में से 1 MI जीती थी, 1 RCB, ये लास्ट मैच है, ये 5 ओवर का मैच है। 1 मैच हुआ था T20 मैच, 2 मैच हमने करवाए 5-5 ओवर के, पिछला मैच MI जीती थी, ये मैच देखता है कौन जीतता है। गैराल्ट कोर्सी बढ़िया कमबैक करवाया अपनी टीम को, विकेट लिया लास्ट बॉल पे। रजत पाटीदार पहली बॉल डॉट बॉल खेली है, लास्ट बॉल 3रे ओवर की वाइड यॉर्कर रखी है, और 1 रन मिलेगा। 3 ओवर के बाद 33 रन पे 1 विकेट, रॉयल चैलेंजर बैंगलोर। और 2 ओवर बच रहे हैं यहाँ से MI के पास, पीयूष चावला है बॉलिंग करवाने। रजत पाटीदार 2 बॉल 1 रन, 8.5 के लगभग 16 रन चाहिए, और ये शॉट अच्छा है रजत पाटीदार, 4 रन मिलेंगे पहली बॉल पे ही पीयूष चावला के स्पेल की। जीत गई भाई आरसीबी, 3 में से 2 मैच जीत जाएगी आरसीबी, बढ़िया बैटिंग करी आरसीबी ने। पहले मैच में ईशान किशन ने सेंचुरी मारी, पिछले मैच में सूर्य कुमार यादव प्लेयर ऑफ द मैच रहा, और भाई यहाँ पे अब विराट कोहली 8 बॉल पे 21 रन, तीनों ने बहुत अच्छी इनिंग खेली है, तीनों मैचेस में मजे आए इनिंग्स देख के। और रजत पाटीदार का एक और चौका, 9 रन चाहिए 10 बॉलों पे, रजत पाटीदार 4 बॉल पे 9 रन, ये बढ़िया बॉल एज लगाए 41 रन पे 1 विकेट, और वहां पे भाई 49 रन पे समथिंग शायद 4 विकेट थे MI के। रजत पाटीदार 5 बॉल 9 रन, 4थी बॉल इस ओवर की, शॉट अच्छा है, पीछे फील्डर है, बट यहां 6 रन दिला के जाएगा रजत पाटीदार, 6 बॉल पे 15 रन, बेहतरीन बैटिंग। और भाई MI हार चुकी है भाई, 3 में से 2 मैचेस हार चुकी है MI, 8 बॉल पे 3 रन चाहिए, और जो कि अब भाई एकदम मुमकिन ही नहीं है कि भाई MI ये मैच जीत जाए यहां से, क्योंकि विकेट पड़े हैं भाई आरसीबी के पास, 1 ओवर पड़ा है प्रॉपर, 7 बॉल पे 2 रन चाहिए। 4थे ओवर की लास्ट बॉल, विराट कोहली ऑन द स्ट्राइक, 8 बॉल पे 21 रन बनाए हैं, और लो भाई चौके के साथ खत्म कराए विराट कोहली ने मैच, 9 बॉल पे 25 रन विराट कोहली। और भाई ये रहा मैच का स्कोर कार्ड, आरसीबी जीत चुकी है मैच, प्लेयर ऑफ द मैच इस बार रहे विराट कोहली, पिछले मैच में प्लेयर ऑफ द मैच थे सूर्य कुमार यादव, उससे पिछले मैच में प्लेयर ऑफ द मैच ईशान किशन। बाकी भाई मिलता है आप लोगों से नेक्स्ट स्ट्रीम पे, बाकी भाई जो भी चैनल पर नहीं आता चैनल कर देना सब्सक्राइब, स्ट्रीम को कर देना लाइक, और भाई नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर देना। और भाई करियर मोड की एक वीडियो आ रखी है, वो भी आप लोग जाके जरूर देखना।